ओके ओके, आई थॉट कुछ टेक्निकल इशू हो गया है, तो आई थिंक आप मुझे सुन पा रहे हो, राइट? करीना प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बता दो, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, करीना यू आर देयर? ओके, थैंक यू करीना, थैंक यू ये बताने के लिए दैट आई एम ऑडिबल. ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर टॉकिंग कि नीट का एग्जाम बस अब आने ही वाला है. अराउंड अपन ऐसे देखें तो सिर्फ 60 डेज बचे हैं, तो 60 डेज में हमें अपनी तैयारी को एकदम अच्छा करना है ताकि हम नीट का एग्जाम बहुत ही बढ़िया मार्क से पास कर सके. ठीक है, तो विकास गुड आफ्टरनून, क्रिश गुड आफ्टरनून, करीना थैंक यू. ओके, तो आज अपन पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 11th एनसीईआरटी, दैट इज एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम की अगर मैं वेटेज की बात करूं तो करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं. तो 3 से 4 का मतलब हो गया 12 से 16 मार्क्स इस चैप्टर से ही आएगा. तो ये चैप्टर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसीलिए ईज आउट करने के लिए ताकि एकदम रश ना हो जाए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, तो पार्ट 1 अपन आज पढ़ेंगे, पार्ट 2 अपन कल करेंगे. मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि नॉन कॉर्डेट्स तक मैं आज पढ़ा दूं, फिर हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स एंड इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपन कल डिस्कस करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं बूट कैम्प का फोर्थ टॉपिक, दैट इज एनिमल किंगडम. थर्ड तो प्लांट किंगडम कर लिया. ठीक है, अब ये QR कोड स्कैन है, प्लीज इसे स्कैन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि इस पूरी क्लास के जितने भी PDF नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे. ठीक है, तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे अब एनिमल किंगडम. ठीक, ठीक है, तो इस एनिमल किंगडम को पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी, हमेशा आप जब प्लांट्स को और एनिमल्स को कंपेयर करोगे कभी भी किसी भी चाहे फिजियोलॉजी के चैप्टर्स में देखो, चाहे आप क्लासिफिकेशन के चैप्टर्स में देखो, या कहीं पर भी अगर आप प्लांट्स और एनिमल्स को कंपेयर करोगे तो एनिमल्स जो है ना बट एनिमल्स में ना ऐसा नहीं होता. एनिमल्स का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डाइवर्स है. तो एनिमल्स को पढ़ने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहले पढ़नी पड़ेगी दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, की किन किन पैरामीटर्स पर हम एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे. तो ये यहाँ पर अटमोस्ट इंपॉर्टेंस रखता है. तो मैं सबसे पहले एनसीईआरटी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का एक ओवरव्यू दे दूंगी ताकि आप जब एनसीईआरटी को रीड करें तो डायरेक्ट टर्म्स आ जाए और आप उन टर्म्स को डायरेक्टली समझते चले जाए. ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? चलिए, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को देखेंगे अपन और पहले एनसीईआरटी को रीड करना स्टार्ट करते हैं. When you look around, you will observe different kinds of animals with different structures and forms. Over a million of species of animals have been described till now. The need for classification becomes all the more important. The classification also helps in assigning a systematic position to newly described species. ठीक है, तो ये NCERT का एक इंट्रोडक्शन है. अब यहाँ पर है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. In spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals. इसको आप प्लीज हाईलाइट कर लीजिए कि there are certain features which are common to various individuals. ठीक है, in relation to the arrangement of cells, उनका cells का arrangement same हो सकता है, उनकी body symmetry same हो सकती है, nature of coelom same हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सेम हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनका सेम हो सकता है. दीज फीचर्स आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर. तो एनसीईआरटी को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे और उसके बाद डेफिनेटली हम एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे. ठीक, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले आप सब पढ़ चुके होंगे, तो एक बार फाइलम्स के नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन से फाइलम्स यहाँ पर आएंगे और फिर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं. तो पहला फाइलम जो एनिमल किंगडम में अपन पढ़ेंगे दैट वुड बी फाइलम पोरिफेरा. इसके बाद अपन पढ़ेंगे फाइलम निडेरिया जिसको हम सिलिंड्रेट्स भी बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइलम क्टिनोफोरा। फटाफट चैट बॉक्स में लिखते चले जाओ। फिर हम पढ़ेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस, फिर हम पढ़ेंगे फाइलम एस्केल्मिन्थिस जो राउंड वर्म्स का फाइलम है, फिर हम पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, फिर हम पढ़ेंगे फाइलम एनेलिडा, फिर हम पढ़ेंगे फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेट्स एंड फाइलम कॉर्डेट्स। ठीक है, फाइलम एनालिडा ऊपर आएगा। इसको आप एक बार कॉपी कर लो प्लीज। ठीक है, ये एक सेकेंड। इसको चेंज कर लेना, मैंने गलती से लिख दिया फाइलम एनेलिडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, चेंज कर लेता हूं। ठीक है, सो ये फाइलम्स है जिनको अपन पढ़ेंगे। ठीक, कॉपी कर लो जल्दी से और अपन स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहला बेस ऑफ क्लासिफिकेशन जो अपना रहेगा स्टूडेंट्स, वो रहेगा ऑर्गेनिज्म का हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म का हैबिट और हैबिटेट पहला बेस रहेगा क्लासिफिकेशन का। अब हैबिटेट के बेस पर जो ऑर्गेनिज्म है, इट कुड बी एक्वाटिक, ठीक है, पानी में रह सकता है, इट कुड बी टेरेस्ट्रियल, इट कुड बी एरियल। एक्वाटिक में ऑर्गेनिज्म जो है वो मराइन भी हो सकता है, और ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म मराइन भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एरियल भी हो सकता है, आर्बोरियल भी हो सकता है। ठीक, अब ऑर्गेनिज्म जो है वो सिसाइल हो सकता है, मतलब लोकोमोशन शो ना करे, मोटाइल हो सकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे हिले, ये फ्री लिविंग हो सकता है, इट कुड बी फ्री लिविंग, या फिर ये कॉलोनीज के अंदर भी रह सकता है। तो ये सारे बेसिस अपन जैसे जैसे नॉन कॉर्डेट्स को पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हम इनकी क्लैरिटी लेते चले जाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट बेसिस जो क्लासिफिकेशन का आता है, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर आएगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आते हैं, देखो ध्यान से समझो, ये इंपॉर्टेंट है। पहला आता है सेल्यूलर लेवल, दूसरा आता है टिश्यू लेवल, फिर आता है ऑर्गन लेवल, और फिर आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, अब सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पहली एक चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है, इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। बात यह है कि एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं। यहाँ पर यूनिसेल्यूलर एनिमल्स हैं ही नहीं। तो सारे ऑर्गेनिज्म, सारे एनिमल्स एनिमल किंगडम के अंदर कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं। ठीक है, तो पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर सेल्यूलर लेवल। इस सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, सेल्यूलर एग्रीगेट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर लूज सेल्यूलर एग्रीगेट्स होंगे, यहाँ पर लूज सेल्यूलर एग्रीगेट्स प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स यहाँ पर सेल्स तो बहुत सारे हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन तो है, बट ये सारे सेल्स मिलकर एक कॉमन काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर डिविजन ऑफ लेबर जो है वो नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो जाएगा, सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ एक ही फाइलम है जो सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है और वो है हमारा फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल आएगा और वो आएगा पॉरीफेरा का, ठीक। इसके बाद आते हैं हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि अब सेल्स ने क्या कर लिया है, सेल्स ने एक एक कॉमन फंक्शन को पिक कर लिया है, ग्रुप ऑफ सेल्स जुड़ गए हैं और डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दैट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें दो ही फाइलम्स में देखने के लिए मिलेगी। एक है निडेरिया फाइलम सिलिंड्रेट वाला और दूसरा है हमारा टीनोपोरा, ठीक है, यहां पर मिलेगी। अब टिश्यू लेवल से अब टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे। तो एक ही ऐसा फाइलम है जहां पर एक ऑर्गन डेवलप हो गया। तो अगर ऑर्गन डेवलप हो गया है सो दैट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यहां पर भी एक ही एग्जाम्पल आता है, दैट इज फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ऑर्गन डेवलप हुए तो ऑर्गन्स डेवलपमेंट के साथ साथ ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए और जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया वो आ गया ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यहां पर एस्कीहेल्मिन्थिस से मतलब राउंड वर्म से लेकर कॉर्डेट्स तक कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों जो आपको याद रखनी है, नितिन स्पॉन्जेस हाइड्रा, यस यस यस, वेरी गुड, ठीक है, आंसर्स देते जाओ ताकि आपका भी रिवीजन होता चला जाएगा। अब एक और चीज जो आपको यहाँ पर याद रखनी है और आपको ये चीज बहुत हेल्प करेगी फाइलम्स को याद करने में, ठीक है। एग्जाम्पल्स तो एक ऐसी चीज है बच्चों वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, उसमें देयर इज नो वे आउट, एग्जाम्पल्स हमको याद करने ही पड़ेंगे। बट अब आपको कंफ्यूजन कहाँ होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म यूसिलोमेट है, कौन सा ऑर्गेनिज्म सूडोसिलोमेट है, बायलैटरल सिमेट्री कहाँ से स्टार्ट हुई है, क्या होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है। तो आपको लैंडमार्क फाइलम्स याद कर लेने हैं। लैंडमार्क फाइलम्स याद करने हैं मतलब कि ट्रू सिलोम कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ट्रू सिलोम स्टार्ट हुआ एनालिड से, ठीक है। तो एनालिड से जैसे ही ट्रू सिलोम स्टार्ट हो गया दैट मीन्स अब नीचे आने वाले जितने भी फाइलम्स हैं वो क्या शो करेंगे, वो यू सिलोम ही शो करेंगे, वो सारे के सारे यू सिलोमेट्स ही होंगे, ठीक है। आपको याद कर लेना है बायलैटरल सिमेट्री कहां से स्टार्ट हो रही है, बायलैटरल सिमेट्री स्टार्ट हो गई हमारी प्लैटीहेल्मिन्थिस से। अब नीचे आने वाले जितने भी फाइलम्स हैं वो सारी सिमेट्री कैसी शो करेंगे, बायलैटरल। एक एक्सेप्शन है एकाइनोडर्मेटा का, वो मैं आपको हाईलाइट करके लिखवा दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप याद करते करते चलो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। तो आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको आज एटलीस्ट एनसीईआरटी तो याद करवा दूं। यहां तक क्लियर है? दो लेवल, दो सिस्टम्स पढ़ लिए अपन ने, हैबिट और हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो काम आती है एनिमल्स को क्लासिफाई करने में, दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी चीज को अगर हम दो हाफ में डिवाइड कर दे, दो पार्ट में बाइसेक्ट कर दे और कटने वाले दोनों हिस्से एक दूसरे को परफेक्टली अगर ओवरलैप कर ले तो ऐसी चीज को हम सिमेट्री बोलते हैं या सिमेट्रिकल बोलते हैं। और अगर वो ओवरलैप ना करे तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल बोलते हैं। तो एग्जैक्टली इसी सिमेट्री के ऊपर ऑर्गेनिज्म को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। यहां पर दो कैटेगरीज है, एक हो जाएगा एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म और दूसरे हो जाएंगे सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स और सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, यहां पर अगर आप दो हाफ्स में काट रहे हो तो ऑर्गेनिज्म के जो दो हिस्से आ रहे हैं, ठीक है, आपको इसे कट कर करके नहीं देखना है कि चाकू लेकर चालू हो जो आज कॉकरोच को काटूंगा, आज हाउस फ्लाई को काटूंगा, ऐसा नहीं करना, आज तो कुत्ते को काट के देखूंगा, ऐसा नहीं करना है। तो ये जो सिमेट्री है इसके लिए क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं और उस इमेजिनरी लाइन से, ठीक है, या एक्सिस आप बोल सकते हो, वो एक इमेजिनरी लाइन है और उस एक्सिस से हम ऑर्गेनिज्म को बाइसेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। और जो प्लेन ऑफ डिवीजन है उससे जो दो पार्ट्स हमको मिल रहे हैं अगर वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए तो सिमेट्रिकल है और अगर ना करे तो फिर वो एसिमेट्रिकल है। तो एसिमेट्रिकल में एक ही ऑर्गेनिज्म या एक ही फाइलम आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पोरीफेरा। ठीक है, अब आप यहां देखो ऐसे, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, काट के देख लो, दो इक्वल हाफ्स आएंगे ही नहीं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे। प्रैक्टिकली लिए हैं मैम, क्या करा है प्रैक्टिकली, काट के देखा है, अरे किसको काट लिया तूने। सिमेट्रिकल में दो चीजें आती हैं, एक होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल और एक होते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, तो रेडियल ऑर्गेनिज्म कैसा है, सिलेंड्रिकल है। ठीक, अब इस ऑर्गेनिज्म के जो सारे ऑर्गन्स है वो बॉडी के सेंटर में लोकेटेड है। अब मैं अगर इसको एक इमेजिनरी लाइन से ऐसे बाइसेक्ट करूं तो दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे, अगर मैं इसको ऐसे बाइसेक्ट करूं तो दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे, ऐसे बाइसेक्ट करूं तो दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे, ऐसे करूं तो दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम एक इमेजिनरी लाइन से बाइसेक्ट कर रहे हैं इन सच अ मैनर कि वो इमेजिनरी लाइन उनकी बॉडी के सेंटर से पास हो रही है और कट होने पर हमको दो सिमेट्रिकल हाफ्स मिल रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दो हैं, एक है निडेरिया सिलेंट्रेट्स या फिर क्टिनोफोरा, दो फाइलम्स। ठीक, अब बात करते हैं बायलैटरल सिमेट्री की। ठीक है, अब बायलैटरल सिमेट्री में देखो एक चित्र बनाते हैं, है ना, एक चित्र बनाते हैं। ठीक है, ये तंत्र मंत्र करने वाली गुड़िया नहीं है, लग वैसी ही रही है पर है नहीं। तो इस ऑर्गेनिज्म को हम कैसे बाइसेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक ही प्लेन में बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम एक ही प्लेन में बाइसेक्ट कर दो आइडेंटिकल हाफ्स ऑब्टेन करें तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की सिमेट्री कैसी हो जाएगी, बायलैटरल सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है, तो बायलैटरल सिमेट्री स्टार्ट हो जाती है प्लैटीहेल्मिन्थिस से, तो प्लैटीहेल्मिन्थिस, एस्कीहेल्मिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा पे स्टार मार्क्ड है, वापस आती हूँ। उसके बाद हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, सबकी सिमेट्री कैसी हो जाती है, बायलैटरल सिमेट्री हो जाती है। अब यहाँ पर एक स्टार लगाकर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये बात, इसको स्टार लगाकर लिखिए कि अडल्ट इकाइनोडर्मेटा जो होता है, ठीक है, अडल्ट इकाइनोडर्मेटा जो होता है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, वेयर एज इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा है वो बायलैटरल सिमेट्री शो करता है। इसके ऊपर डबल स्टार लगा लीजिए, नीट स्टार लगा लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। यहां तक कोई डाउट है तो यहां पर अपन ने सिमेट्री के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर लिया और जो एक्सेप्शन है जिसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आया है वो अपन यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, और नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज जर्मलेयर। ठीक है, मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, आपके नोट्स बनवा रही हूँ, बाद में एनसीईआरटी भी रीड करेंगे। ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर क्लियर हो गया ना बच्चों तो आपके जो फाइलम्स है वो तो मैं फट करवा दूंगी, वहां पे हाईलाइट करा दूंगी और आपको याद करवाती चली जाऊंगी, तो वो आपको बहुत इजी होगा। विकास कोई डाउट है, नितिन कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, क्रिश, करीना कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। जर्म लेयर, अब जर्म लेयर क्या होती है, जर्म लेयर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक, जब रिप्रोडक्शन होता है तो स्पर्म और ओवा फ्यूज होते हैं और ये जाइगोट बनाते हैं विच इज अ 2n स्ट्रक्चर। ठीक, अब इस जाइगोट से क्या डेवलप होता है, इस जाइगोट से डेवलप होता है बच्चों मॉर्यूला, मॉर्यूला से डेवलप होता है बच्चों ब्लास्ट्यूला, ठीक है, और ब्लास्ट्यूला से बच्चों डेवलप होता है गैस्ट्रूला। ठीक है, अब इस गैस्ट्रूला से ओरिजिनेट होती हैं जर्म लेयर्स। ठीक है, यहां से ओरिजिनेट होती हैं बच्चों जर्म लेयर्स, और ये जर्म लेयर्स वो लेयर्स हैं जो कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स डेवलप्ड हैं, जितने भी ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड हैं, वो इन्हीं जर्म लेयर से निकल कर या डिफ्रेंशिएट होकर आते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो ब्लड है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड है, कुछ एक्टोडर्मली डिराइव्ड होता है, कुछ एंडोडर्मली डिराइव्ड होता है, तो ये एग्जैक्टली इस गैस्ट्रूला से ही जर्म लेयर्स बनती हैं और इन जर्म लेयर्स से हमारे बाकी सारे बॉडी ऑर्गन्स या बाकी सारे बॉडी पार्ट्स बनते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जर्म लेयर्स ना बच्चों तीन तरीके की होती है, यहां लिख दूं या नेक्स्ट स्लाइड लू, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ले लू। ये जर्म लेयर जो होती है ना बच्चों, ये बेसिकली तीन टाइप की होती है। एक्टोडर्म, इसका डायग्राम एनसीईआरटी ने दे रखा है, उसी को स्टडी करेंगे। फिर होती है मीजोडर्म और फिर होती है एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीन जर्म लेयर्स होती हैं। बट ऐसे ऑर्गेनिजम्स, द ऑर्गेनिजम्स विच हैव only two germ layers, organisms which have only two germ layers, ऐसे organisms को हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक organisms। ऐसे organisms को बच्चों बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक organisms। तो जो organism डिप्लोब्लास्टिक होंगे उनके पास सिर्फ दो germ layers होंगी, और वो दो germ layers कौन सी होंगी? वो दो germ layers होंगी बच्चों एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मेसोडर्म इनके पास नहीं होगी। ठीक, एक डायग्राम बना लेते हैं, वैसे एनसीईआरटी के डायग्राम से स्टडी करेंगे अपन। तो यहां पर आउटर लेयर जो है, मैं छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ, आउटर लेयर होगी एक्टोडर्म की और अंदर वाली लेयर जो होगी वो होगी एंडोडर्म की। अब इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक जेली लाइक मटीरियल भरा हुआ होगा, और उस जेली लाइक मटीरियल को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज मेसोग्लिया। ठीक है, ये आउटर लेयर हो गई एक्टोडर्म और अंदर वाली लेयर हो गई एंडोडर्म, और सेंटर में जो मेसोडर्म होनी चाहिए थी वो नहीं है, और उसकी जगह एक जेली लाइक अनडिफरेंशिएटेड सेल का मैटर फिल करा हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड एज मेसोग्लिया। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं, जरा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में मुझे बता दो, फटाफट बता ही दो आज तो, कि कौन होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। हमारे पूरे एनिमल किंगडम में डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, नाम बता दो आज मुझे उनका। परेशान नहीं करेंगे अब तो, आपको बस नाम लिख दो, मैं वेट कर रही हूं। ठीक है, जब तक मैं डिप्लोब्लास्टिक बता रही हूँ, नाम चैट बॉक्स में मुझे आपसे ही चाहिए। ठीक, अब आते हैं ऑर्गेनिजम्स which have three germ layers, organisms which have three germ layers, जिनके पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों germ layers होती हैं, ऐसे organisms को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक organisms कहते हैं। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक organisms में क्या होता है? आउटर लेयर एक्टोडर्म, ठीक, फिर उसके बाद मेसोडर्म की एक लेयर होती है और अंदर एंडोडर्म की एक लेयर होती है। विशाल, पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है? ऐसी बातें मत करो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। ठीक है, ऐसी चैट्स मत लिखो, आंसर दो मुझे। नितिन, विकास, विशाल, कृष, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के मुझे एग्जाम्पल दो, मैं नहीं बताऊंगी, आपसे ही चाहिए मुझे जवाब। ठीक है, चलिए मैं वेट करूंगी जब तक आपका जवाब नहीं आएगा। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल चैट बॉक्स में आएंगे तो ही डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट जो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट वुड बी सीलोम। ठीक है, सीलोम। बच्चे सीलोम में पता नहीं क्यों मुझे आज तक समझ नहीं आया कि बच्चे सीलोम में क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्या है ऐसा सीलोम में, आखिर ऐसा क्या है जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं? सीलोम क्या है बच्चों? सीलोम एक कैविटी है। ठीक है, अब कैविटी है, खाली जगह तो किसी ना किसी के बीच में होगी, तो किसके बीच में होती है? आउटर बॉडी वॉल और हमारी जो गट है उसके बीच की स्पेस को क्या कहा जाता है? सीलोम कहा जाता है। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास सीलोम है तो वो सीलोमेट है, और अगर किसी के पास सीलोम नहीं है तो फिर वो एसीलोमेट की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो सीलोम बेसिकली क्या है? कैविटी बिटवीन आउटर बॉडी वॉल एंड गट। ठीक, अब जिस ऑर्गेनिज्म के पास सीलोम नहीं है, क्रिश एग्जाम्पल्स नहीं आते डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के, ऐसे कैसे? नहीं, ये तो बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। डिप्लो और ट्रिप्लो के एग्जाम्पल, ट्रिप्लो में बता देती हूँ, ट्रिप्लो प्लैटी से स्टार्ट होता है, तो ट्रिप्लो अगर प्लैटी से स्टार्ट हो गया तो नीचे तक सारा ट्रिप्लो ही चलेगा। ठीक है, पोरीफेरा के केस में क्या होता है, उसको हम इनकम्प्लीट डिप्लोब्लास्टिक बोल देते हैं, पर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल में सिलिंड्रेट्स और टिनोफोरा को हम कंसिडर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अपन आएंगे फाइलम्स के ऊपर तब मैं आपको लिखवा दूंगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब सीलोम के बेस पे ऑर्गेनिज्म एसीलोमेट हो गए, जिनके पास सीलोम है ही नहीं, सीलोम ही एब्सेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो मैं लिख रही हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार, डबल स्टार लगाना नीट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। एनटीए वालों डालोगे तो मेरे बच्चे अब इस आंसर को कर लेंगे। सूडोसीलोम, सूडोसीलोमेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। फॉल्स बॉडी कैविटी का मतलब है कि जो मीजोडर्म है इन ऑर्गेनिजम्स में वो पाउचेज में प्रेजेंट है, ठीक है। सो सूडोसीलोमेट्स वो ऑर्गेनिजम्स है विच हैव फॉल्स सीलोम, द मीजोडर्म इज स्कैटर्ड, ठीक। और सूडोसीलोमेट का बस एक ही एग्जाम्पल है पूरे एनिमल किंगडम में, एक ही एग्जाम्पल है और वो है एस्कीहेलमिंथिस, ठीक है, वो है एस्कीहेलमिंथिस। इस एस्कीहेलमिंथिस के अलावा और कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो सूडोसीलोमेट हो। इसके बाद आता है यूसीलोमेट, इसके बाद आते हैं यूसीलोमेट। ईयू का मतलब हो जाता है ट्रू सीलोम। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, जिनके पास ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम यूसीलोमेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब पहले यूसीलोमेट्स में दो कैटेगरीज पढ़ाई जाती थी, एक होता था शाइजोसीलोम और एक होता था एंटेरोसीलोम। अब ये सिलेबस से हट गया है, फिर भी अगर आप लिखना चाहते हो तो शाइजोसीलोम में कौन कौन आते हैं? शाइजोसीलोम में आते हैं, मैं कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, मैं जगह ही नहीं है। यहां दिख रहा है आपको, यहां लिख दूं शाइजोसीलोम। शाइजोसीलोम में तीन ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसको मैंने आम के फॉर्म में याद कर रखा है। जब मैं नीट की तैयारी करती थी तब से ही मुझे ऐसे ही याद है, आम के हिसाब से, ठीक है, आम के आम और गुठलियों के भी दाम, ठीक है। तो यहां पर आम से क्या होगा? A stands for एनेलिड, A stands for आर्थ्रोपोडा एंड M stands for मोलस्का, ठीक है। तो ये मुझे मेरे नीट की तैयारी के टाइम से याद है, पर अब जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं होता है बच्चों, ठीक है। बट आप याद कर लो, यूसीलोमेट वो ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास ट्रू सीलोम है, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, इनकी बॉडी कैविटी के अंदर सारी पेरिटोनियल लेयर्स प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट है और ये एक शॉक अब्जॉर्बर के जैसे काम करता है, ठीक। अब इसमें यूसीलोम में एक होता है शाइजोसीलोम और एक होता है मेरे बच्चों एंटेरोसीलोम, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बता रही हूं मैं आपको, एक्स्ट्रा मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि आप बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो, आप इधर उधर सारे मॉक टेस्ट दोगे, सब कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट देने चले जाओगे, तो वहां पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ऐसे सोचोगे क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, ये तो मुझे आता ही नहीं है, ठीक है। बट एनसीईआरटी ने ये एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, तो परेशान मत हो, मैंने आपको बता दिया। तो एंटेरोसीलोम में जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो आएंगे, इकाइनोडर्मेटा आएगा, ठीक है, उसके बाद हेमिकॉर्डेट्स आएंगे और कॉर्डेट्स आएंगे। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हो जाएंगे? एंटेरोसीलोमेट हो जाएंगे। यहां तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका नीट का क्या हुआ? मेरा नीट का क्या हुआ बेटा? मैं पास हो गई और मैं डॉक्टर बन गई, ठीक है विकास। चलिए, क्रिश एग्जाम्पल्स याद करने हैं बच्चों। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? एक बार रिवाइज कर लो। अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हैबिट और हैबिटेट के बेसिस पे अपन ने क्लासिफाई किया, बेस बनाया, क्लासिफिकेशन का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, सिमेट्री को बनाया, जर्म लेयर को बनाया, जर्म लेयर को यहाँ कंटिन्यू किया और पांचवा अपन ने यहाँ पर देखा सीलोम, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे। क्या ले नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? बताओ। नेक्स्ट बेसिस अपन ले लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो, नेक्स्ट बेसिस अपन ले लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को याद करने के लिए यहाँ पर दो चीजें अपन एक साथ कवर कर लेंगे कि किसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, किसका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। अब ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्या होता है और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान क्या होता है, तो वो दोनों चीजें अपन यहाँ पर साइमल्टेनियसली ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट हो सकता है या कंप्लीट हो सकता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है ना बच्चों, ये देखो ऐसे है ना, ऐसे एक मटका है ना जिसका एक ही मुंह है, ठीक है, मटके का एक ही मुंह होता है ना, वहीं से अपन हाथ डाल के पानी निकाल लेते हैं, तो एक ही मुंह होता है। तो एग्जैक्टली इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उनके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है और इस ओपनिंग से वो इंजेशन भी करते हैं बिल्कुल सही, और इसी ओपनिंग से इजेशन भी कर लेते हैं। सो इस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो सेपरेट ओपनिंग्स ना होकर सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है और उसी ओपनिंग से इंजेशन भी हो रहा है और उसी ओपनिंग से इजेशन भी हो रहा है। तो जिन जिन ऑर्गेनिजम्स के पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, उनके बॉडी प्लान को हम क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज कॉल्ड एज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में देयर वुड बी टू सेपरेट ओपनिंग्स, यहां पर दो सेपरेट ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी कुछ इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। तो यहां से ये इंजेस्ट करेंगे और यहां से ये इजेस्ट करेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास दो सेपरेट ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों कंप्लीट होता है, एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर बॉडी प्लान इज कॉल्ड एज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो ऐसे बॉडी प्लान को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। दिस इज कॉल्ड एज ट्यूब विद इन ट्यूब, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, जहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहली बार कंप्लीट हुआ था ऑर्गेनिज्म एस्कीहेलमिंथिस में, और उसके बाद से नीचे से जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे कैसे होंगे? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को शो करेंगे। इनकम्प्लीट, बिल्कुल आपने सही बोला है नितिन, हाइड्रा में, स्पॉन्जेस में और टीनोफोरा में, सब में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ही होता है, बिकॉज इनके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है। तो यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट स्पेसिस अपन लेते हैं, क्या ले? सर्कुलेटरी सिस्टम लेते हैं, ठीक है, सर्कुलेशन लेते हैं, सुंदर सर्कुलेशन लिखेंगे। तो दूसरी बार में कौन सा अच्छा आ गया, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। सर्कुलेशन या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। मेरा आधा बोर्ड तो ना वेस्ट ही हो जाता है, मेरा ऊपर तक हाथ ही नहीं आता, तो मुझे कभी कभी स्लाइड्स कम पड़ जाती है। मैं यहाँ पर कुछ एक लगवाऊंगी पोडियम टाइप, ताकि मेरा हाथ ऊपर तक आ जाए, मेरे को बहुत दिक्कत आती है। हाँ बिल्कुल सही है नितिन, सही बोल रहे हो। सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम, अब यहाँ पर दो कैटेगरीज हो सकती है ऑर्गेनिज्म का। अरे यहाँ चला गया, मैं उसको वहां ढूंढ रही हूँ। ओपन सर्कुलेशन या फिर क्लोज सर्कुलेशन, ठीक है। ओपन सर्कुलेशन या फिर क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है? जो ब्लड है, जो बॉडी का फ्लूइड है, वो ऑर्गन्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, ठीक है। और ओपन के केस में जो कैपिलरीज है वो कंप्लीटली एब्सेंट होती है। वेयर एज अगर हम क्लोज सर्कुलेशन की बात करें तो यहाँ पर जो ब्लड है वो क्या करता है? वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है ऑर्गन्स के, पहली बात, और क्लोज सर्कुलेशन में हमेशा कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पर बच्चों जो एग्जांपल्स है ना वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे साथ ही इन्हें याद कर लो। ओपन सर्कुलेशन जो है वो सारे आर्थ्रोपोड्स में, सारे आर्थ्रोपोड्स में आपको मिलेगा विदाउट एक्सेप्शन, सारे आर्थ्रोपोड्स में मिलेगा आपको विदाउट एक्सेप्शन। यहाँ पर कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, सारे आर्थ्रोपोड्स में कैसा सर्कुलेशन मिलेगा? ओपन सर्कुलेशन मिलेगा। अब क्लोज सर्कुलेशन किसमें मिलता है? एनालिड्स। क्लोज सर्कुलेशन हमको मिलेगा एनालिड्स में। एनालिड्स में एक एक्सेप्शन है नीरीज का, जब मैं आपको फाइलम पढ़ाऊंगी वहां पे मैं आपको लिखवा दूंगी, मार्क करा दूंगी, तो ये मत सोचना कि मैम गलत पढ़ा रही है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, दैट इज नीरीज, लीच का एक्सेप्शन है। लीच के केस में ओपन सर्कुलेशन होता है, बाकी एनालिड फाइलम जाना जाता है फॉर इट्स क्लोज सर्कुलेशन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी, आंसर करोगे क्या मुझे चैट बॉक्स में? एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी, क्या आंसर करोगे मुझे चैट बॉक्स में? क्या मुझे जवाब दोगे? क्या मुझे जवाब मिलेगा इसका? जल्दी बताओ। क्वेश्चन मैं यहां लिख रही हूं, क्वेश्चन मोलस्का का सर्कुलेशन कैसा होता है, ओपन या क्लोज्ड? मोलस्का का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन या क्लोज? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, मोलस्का का क्या सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है या क्लोज है? जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रही हूं। मोलस्का का फास्ट। आई एम वेटिंग वेटिंग। कोई आंसर नहीं आ रहा है मेरे पास, तो इसको मैं क्या मानूं कि आप हार मान चुके हो या आपको याद नहीं है या आप मुझे जवाब देना नहीं चाहते हो? जल्दी बताओ। नितिन, विकास, क्रिश, विशाल, करीना, क्या आंसर है? मोलस्का का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? मोलस्का का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, पर यहां पर एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन आता है ऑक्टोपस के केस में। ठीक है, ऑक्टोपस का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है बच्चों? क्लोज्ड होता है। और ऑक्टोपस किस में आता है? ऑक्टोपस सिफेलोपोड्स में आता है। गलत। ऑक्टोपस सिफेलोपोड्स, ठीक है, सिफेलोपोड्स का क्लोज होता है, बाकी मोलस्का का ओपन होता है। करीना क्लोज, क्रिश क्लोज, सब गलत, सब गलत। फटाफट से इसको कॉपी करो या जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मैं भी एक वाटर ब्रेक लेती हूं। जल्दी से, और याद रखो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट नीट का क्वेश्चन बनता है बच्चों। तो 7 बेसिस पढ़ लिए अपन ने क्लासिफिकेशन के। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। एट, reproduction and डेवलपमेंट। तो ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्शन के लिए या तो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है या सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, अब सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है उसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो जैसे जैसे अपन फाइलम्स पढ़ेंगे वैसे वैसे अपन उसको डिस्कस करते चले जाएंगे। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट कैसा डेवलपमेंट होगा इनका? डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट 2 तरीके का होता है। ठीक है, पहला डेवलपमेंट हो सकता है इनडायरेक्ट, फिर आ सकता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है, मैम मैंने तो ऑक्टोपस, अच्छा वेरी गुड क्रिश, बहुत बढ़िया क्रिश, तालियां आपके लिए। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो होता है उसमें लार्वा प्रेजेंट होता है, और जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें लार्वा एब्सेंट होता है। तो आप एनसीईआरटी जब मेरे साथ साथ पढ़ोगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। तो अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो फिर लार्वा प्रेजेंट है, और अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वा एब्सेंट है। अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखने वाली है कि हम जब भी इसको पढ़ेंगे तो एक और चीज आएगी कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक ही फाइलम के ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूनिसेक्सुअल और दे कुड बी बाइसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन कुड बी इंटरनल और एक्सटर्नल, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। ठीक है, अब 9 पैरामीटर लेते हैं, यही ले लेते हैं, दैट इज नोटोकॉर्ड। इसी नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड जो है ये एक मेन बेस है एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करने का। तो नोटोकॉर्ड क्या है बच्चों? नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर दे रही है। ठीक, तो जिन ऑर्गेनिजम्स में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उन ऑर्गेनिजम्स को हम कॉर्डेट्स बोलते हैं, जिनके पास ये नोटोकॉर्ड नहीं है उनको हम नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। तो नोटोकॉर्ड के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, नॉन कॉर्डेट जिनके पास नोटोकॉर्ड है ही नहीं, कॉर्डेट जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अब यहां पर एक इंटरमीडिएट ऑर्गेनिज्म है हेमीकॉर्डेट, जिनके पास नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि उनके बक्कल, डायवर्टिकुलम या स्टोमोडियम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, उसको अपन वहां डिस्कस करेंगे, बट यहां पर एक बेस जो मेन है दैट इज नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड हैं। ठीक, नेक्स्ट अपन यहां पर देखते हैं 10th चीज दैट इज नर्व कॉर्ड। ठीक है, नर्व कॉर्ड। अब जितने भी नॉन कॉर्डेट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, जितने भी नॉन कॉर्डेट्स ऑर्गेनिज्म है, यहां पर मैं लिख देती हूं जितने भी नॉन कॉर्डेट्स ऑर्गेनिज्म है उनकी जो नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रल है, ठीक है, और सॉलिड है। ठीक है, वेंट्रल है और सॉलिड है। और जितने भी कॉर्डेट्स हैं जो कि अपन है, ठीक है, कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड जो होती है वो होती है डोर्सल और वो होती है हॉलो। तो किसी भी एक का आप याद कर लो, दूसरा वाला उसका ऑपोजिट हो जाएगा। नॉन कॉर्डेट्स में जनरली नर्व कॉर्ड जो होती है ये डबल होती है, वेंट्रल होती है, आगे की तरफ होती है और सॉलिड होती है। वेयरएज कॉर्डेट्स के अंदर जो ये है डोर्सल और हॉलो। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। मेरे हिसाब से सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अपन ने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं, कोई बचा नहीं होगा। कोई बचा है? मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गए हैं, अपन ने डिस्कस कर लिया। एक बार देख ले फटाफट। अपन ने हैबिटेट देख लिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, सिमेट्री देख ली, जर्म लेयर देख लिया, सीलोम देख लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्शन, नोटोकॉर्ड, सब हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर अपन स्टार्ट करते हैं और एनसीईआरटी को हाईलाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई डाउट है? नितिन, विकास, क्रिश, कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मेरे से पूछ लीजिए। चलो, दो ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमिलिया आर मल्टी सेल्यूलर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने पहले भी बताया है कि सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, इन स्पॉन्जेस द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज एग्रीगेट्स, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, दैट इज दे एग्जिबिट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो सेल्स हैं वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, वो मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। ओके, देन सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल्स। इन सिलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स, तो सिलेंट्रेट्स में अरेंजमेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स। हेयर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू, हेंस दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सिलेंट्रेट्स और टीनोपोरा जो है उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? टिश्यू हो जाएगा। अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल, जहां पर टिश्यूज ने मिलकर क्या बना दिया? एक ऑर्गन बना दिया, इज एग्जिबिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थिस। तो प्लैटीहेल्मिन्थिस में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आ गया? ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ गया। ठीक है, इन एनिमल्स लाइक एनिलीड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स, कॉर्डेट्स, ठीक है, यहां पर बहुत सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं एंड दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब आते हैं प्लैटीहेल्मिन्थिस ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पर माउथ और इनर सिंगल ओपनिंग से ऑपरेट हो रहा है। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज एन ओपनिंग, टू डिफरेंट ओपनिंग, दैट इज माउथ एंड एनस। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम मे बी ऑफ टू टाइप, दैट इज ओपन एंड क्लोज। ये सारी चीजें अपन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, इसको बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिमेट्री, सिमेट्री भी अपन पढ़ चुके हैं। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, दैट इज एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं? ऐसी सिमेट्री को हम एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, इट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स, इकाइनोडर्म, अब यहां पर जिन इकाइनोडर्म्स के बारे में बात हो रही है ना बच्चों, वो इकाइनोडर्म्स है, अडल्ट इकाइनोडर्म्स। ठीक है, जो इसका लार्वा होता है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, दे हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। एनिमल्स लाइक एनिलीड्स, आर्थ्रोपोड एक्सेट्रा, द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ओनली, और ऐसी सिमेट्री को हम बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो ये सारी चीजें अपन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नॉन कॉर्डेट्स में चेम्बर्ड होते, किस चीज के चेम्बर्ड पूछ रहे हो नितिन? आप मुझसे बताओ, हार्ट के चेम्बर्स बोल रहे हो? चलिए, अब ये डायग्राम है, ये रेडियल सिमेट्री है और ये बायलैटरल सिमेट्री है। ओके फिर अपन आते हैं जर्म लेयर पे, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। डिप्लोब्लास्टिक जिसमें 2 जर्म लेयर हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मीजोग्लिया है, ये मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, आप इसे हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है कि यहाँ पर इनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया होता है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के केस में, और जहां पर एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों जर्म लेयर्स होती हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा प्लैटीहेल्मिन्थिस से, और उसके बाद सारे ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होंगे। ठीक, हाँ ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पर आप देखो ये डिप्लोब्लास्टिक है, और आप डिप्लोब्लास्टिक में यहाँ पर देख सकते हो कि आउटर लेयर एक्टोडर्म है, अंदर वाली लेयर एंडोडर्म है। दोनों के केस में जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है उसमें ये लेयर जो है ये मीजोग्लिया की है, जहां पर जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड होगा, और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में एक वेल डिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट है जिसको हम मीजोडर्म बोलते हैं। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायरेक्टली आपको दे सकते हैं और आपसे आइडेंटिफाई करा सकते हैं कि इसमें से कौन डिप्लोब्लास्टिक है और कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, सीलोम, सीलोम अपन डिस्कस कर चुके हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल, यहाँ पर प्रॉपरली ये एरिया जो है ये सीलोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सूडोसीलोम के केस में आप देखो ये मीजोडर्म के ऐसे पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सूडोसीलोमेट, और एसीलोमेट के केस में ऐसी कोई बॉडी कैविटी यहाँ पर है ही नहीं। अगेन दिस डायग्राम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नीट में डायरेक्ट डायग्राम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन है। ठीक है, सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, सेगमेंटेशन, अपना एक सेगमेंटेशन रह गया था, यहाँ पढ़ा देती हूँ। सेगमेंटेशन के केस में क्या होता है, if the organism is divided into external and internal compartments, ठीक है, जो लाइन ऑर्गेनिज्म को बाहर से डिवाइड कर रही है वही लाइंस अगर ऑर्गेनिज्म को अंदर से भी सेगमेंट्स में डिवाइड कर रही है, देन दैट पैरामीटर इज कॉल्ड एज, या उस ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है ट्रूली सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म। और सिर्फ बाहर बाहर से लाइंस है और अंदर वो लाइंस उस ऑर्गेनिज्म को डिवाइड नहीं कर रही हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स मेटामेरिज्म और फॉल्स सेगमेंटेशन। तो ट्रू सेगमेंटेशन जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है एनेलिड्स के केस में, आर्थ्रोपोड्स के केस में। ठीक है, इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विथ सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स, और कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो सीरियली रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन अर्थवर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म, और इस फिनोमिना को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये एक पैरामीटर है। नोटोकॉर्ड अपन ने पढ़ी लिया, इंपॉर्टेंट। नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली डिवाइड, नोटोकॉर्ड जो है इट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड एज कॉर्डेट, which do not have notochord is called as non-chordates। ठीक है, तो पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक सारे ऑर्गेनिज्म नॉन कॉर्डेट की कैटेगरी में आते हैं। ओके, ये अगेन एक फ्लो चार्ट आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखो यहाँ पर ये एनिमल्स है, इनको अलग अलग बेसिस पर, ये एग्जैक्टली की है बच्चों, ये अपन ने पहले भी पढ़ रखी है। तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होएगा तो एसिमेट्रिकल होएंगे, एसिलोमेट होएंगे, इसमें एक एग्जाम्पल आता है पोरीफेरा। अगर टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है तो सिमेट्री या तो रेडियल हो सकती है या बायलैटरल हो सकती है। अगर रेडियली सिमेट्रिकल है तो ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, एसिलोमेट है। इनका सीलोम कैसा है, सीलोम नहीं है, ये एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स है। यहाँ पर 2 आते हैं, एक आता है टीनोफोरा और दूसरा आता है सिलिंड्रेट या फिर निडेरिया। बायलैटरल सिमेट्री है तो विदाउट बॉडी कैविटी तो एक ही है प्लैटीहेल्मिन्थिस, सूडो सीलोम के साथ है तो एक ही है एस्केल्मिन्थिस, और अगर ट्रू सीलोम प्रेजेंट है तो एनेलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इकाइनो, हेमी एंड कॉर्डेटा। ठीक है, तो ये इनका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप यहाँ पे एक चीज मेंशन कर लो ताकि आप इसे याद रखो, ऊपर के 3 जो ये हैं आम नाम से जो हैं, ये कैसा सीलोम शो करते हैं, ये शाइजोसीलोम शो करते हैं, और नीचे के तीन जो है EHC, ये कैसा सीलोम शो करते हैं, ये एंटेरोसीलोम शो करते हैं। तो ये जो पूरा फ्लो चार्ट पैटर्न में एक माइंड मैप पैटर्न में जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको चीजें इजीली याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं और एक एक फाइलम को डिटेल में डिस्कस करते हैं एंड वी विल स्टार्ट विथ फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अगर कोई डाउट है तो बता दो। इसके बाद आज नॉन कॉर्डेट्स को खत्म कर देते हैं, नॉन कॉर्डेट्स को पूरा पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स भी याद कर लेते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी को हाईलाइट कर करके पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में अपन हाईलाइट करेंगे और बाद में क्विकली अपन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेंगे या फिर जो चीज मुझे लगेगा कि आपको समझानी चाहिए वो मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, कोई डाउट है तो बता दो मुझे यहां तक। क्या करना चाहते हो, नोट्स लिखना चाहते हो या एनसीईआरटी हाईलाइट करूं? बताओ, जो बोलोगे वैसे कर लेंगे। चलो, फाइलम पोरीफेरा, ठीक है, इसके नाम से ही समझ में आता है कि इस ऑर्गेनिज्म में क्या होंगे। दिस इज पोर बियरिंग एनिमल, ये कैसा एनिमल होगा, ये पोर बियरिंग एनिमल होगा, छेदी सिंग होगा, इसकी पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं और उन छोटे छोटे होल्स को, उन छोटे छोटे पोर्स को हम ऑस्टिया बोलते हैं और ऊपर एक बड़ा ओपनिंग होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम। तो इस पूरे फाइलम की सबसे खास बात क्या है कि ये पोर बियरिंग एनिमल्स हैं। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स को कॉमनली हम स्पॉन्जेस बोलते हैं। हैबिटेट, दे आर जनरली मराइन एंड एसिमेट्रिकल एनिमल्स, तो इनकी सिमेट्री क्या है, एसिमेट्रिकल है, और हैबिटेट क्या है, मराइन है। These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल्यूलर है। ओके, विकास बोल रहा है एंड हाईलाइट करेंगे, ठीक है, फिर हाईलाइट करेंगे। ठीक, और जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगेगी समझाने जैसी वो मैं आपको लिखवा दूंगी। ठीक है, तो पूरे एनिमल किंगडम में एक ही ऐसा फाइलम है जो सेल्यूलर लेवल शो करता है, दैट इज पोरीफेरा। स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके पास जो सिस्टम है वो कैसा है, वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम, दिस इज इंपॉर्टेंट। कई बार बच्चे इकाइनोडर्मेटा के वाटर वैस्कुलर सिस्टम से इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो कि जो फाइलम पोरीफेरा है उसके पास वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है। नाउ वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया, इनकी पूरी बॉडी सरफेस पे जो छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं उससे पानी अंदर जाता है। अब पानी जब अंदर जाएगा तो वो क्या लेकर जाएगा, जीने के लिए इंपॉर्टेंट गैस, ऑक्सीजन को लेकर जाएगा, जीने के लिए इंपॉर्टेंट चीज खाना लेकर जाएगा, सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा। तो ये जो वाटर इन होल्स के थ्रू अंदर आ रहा है वो क्या कर रहा है, द पाथवे ऑफ वाटर हेल्प्स इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये जो पानी अंदर आ रहा है ये दो चीजें कर रहा है, इंपॉर्टेंट गैस और फूड को लेकर आ रहा है, इंपॉर्टेंट गैस मतलब ऑक्सीजन, और एक्सक्रीटरी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल रहा है। ठीक है, अब इनकी बॉडी के सेंटर में एक कैविटी प्रेजेंट है, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील, उस कैविटी को क्या कहा जाता है, स्पॉन्जोसील कहा जाता है। और स्पॉन्जोसील है वो एक बड़ी ओपनिंग में खुलता है, दैट बड़ी ओपनिंग इज कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम, उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ऑस्क्यूलम कहते हैं। अब ये जो स्पॉन्जोसील है, इस स्पॉन्जोसील के अंदर इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट है जिनको हम क्वाइनोसाइट्स बोलते हैं, कॉलर सेल्स बोलते हैं, और ये सेल्स कैसे होते हैं, ये सेल्स फ्लैजिलेटेड होते हैं कुछ इस तरह से, दीज सेल्स आर फ्लैजिलेटेड। ठीक है, इसके पास ऐसे फ्लैजिला होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्वाइनोसाइट्स है ये कॉलर सेल्स है एंड दीज सेल्स आर फ्लैजिलेटेड। ठीक, डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर, ठीक है, डाइजेशन कैसा है, इनका इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन है। द बॉडी इज सपोर्टेड, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी जो बॉडी है इट इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स, इनकी जो बॉडी है इसके ऊपर छोटे 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 कांटे बने हुए हैं जिससे ये अपना प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। और ये जो कांटे हैं इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ठीक है, बेचारे बहुत ही लोअर एनिमल्स हैं, इनके सेक्सेस डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, तो ये हर्माफ्रोडाइट्स हैं, ठीक है। Eggs and sperms are produced by the same individual. They can reproduce asexually by fragmentation and sexually by the formation of gametes. Fertilization is internal, अंदर ही fertilization हो जाएगा, water में नहीं होगा, ठीक है। And the development is indirect, यहाँ पर क्या होगा, larval stage यहाँ पर present होगी, right? तो यहाँ तक कोई doubt है? इसको मैं एक बार sum up कर देती हूँ ताकि आप को revise हो जाए। बेचारा, हाँ बहुत बेचारा है, ये बिल्कुल लोअर ऑर्गेनिज्म है, सबसे लेस डेवलप्ड एनिमल है, इसीलिए इसको सबसे पहले पढ़ा जा रहा है। मैं सम अप कर देती हूँ, ठीक है। इसकी सबसे खास बात क्या है, ये पोर बियरिंग एनिमल है, इसकी पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स हैं जिसको ऑस्टिया कहते हैं, और एक बड़ा होल ऊपर प्रेजेंट है जिसको ऑस्क्यूलम कहते हैं। इनका हैबिटेट एक्वाटिक है, ठीक है। ये बहुत ही लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी सिमेट्री क्या है, ये एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं। इनका जो जर्म लेयर होता है उसको रिड्यूस डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, सीलोम का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, एसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं ये, ठीक। अब इनकी खास बात, इनके सेंटर में एक कैविटी प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील, वहां पर स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट है जो कि है क्वाइनोसाइट, कॉलर सेल्स, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। अब जो ऑस्टिया है, छोटे छोटे पोर्स है, उसके थ्रू पानी बॉडी के अंदर आता है, वाटर ऑक्सीजन को लेकर आता है और साथ में फूड लेकर आता है, और एक्सक्रीटरी वेस्ट इसी वाटर से थ्रू ऑस्क्यूलम बॉडी के बाहर निकल जाता है। हर्माफ्रोडाइट्स हैं, सेक्सेस डिफाइंड नहीं है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, दैट मीन्स यहाँ पर लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। तो यही है इसका पूरा जिस्ट, और इनकी बॉडी प्रोटेक्टेड है बाय छोटे छोटे स्पिक्यूल्स जो कि बेसिकली मेडअप है बाय स्पॉन्जिन प्रोटीन, ठीक। तो ये इनका डायग्राम है और ये एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। साइकन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया। अब देखो ये छोटे छोटे पोर्स जो हैं ये क्या है, दीज पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया, ठीक है। कोई डाउट है इस फाइलम में? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट फाइलम पर आगे चलते हैं। इसकी और कोई खास बात तो मेरे ख्याल से बची नहीं है, सारी चीजें अपन ने कवर कर ही ली हैं। आप बताओ कोई पॉइंट छूटा है आपको लग रहा है? सब हो गया कवर इसमें, ठीक है। हैबिटेट इनका एक्वाटिक है, आपको मैंने बता ही दिया, मराइन या फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं, मेनली मराइन होते हैं। फ्रेश वाटर में एक ही ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है स्पॉन्जिला, ठीक है। स्पॉन्जिला जो है वो फ्रेश वाटर में रहेगा, यहां मैं लिख देती हूँ, मेनली ये मराइन होते हैं, फ्रेश वाटर, ठीक है, ठीक है। हो गया मेरे ख्याल से, एग्जाम्पल्स याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में एग्जाम्पल्स ही हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं, है ना। बाकी सारी चीजें मैं समझा सकती हूँ, एग्जाम्पल्स आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। बताओ और कोई चीज इसमें, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ये याद रख लेना, ये साइकन है, ये यूस्पॉन्जिया है, ये स्पॉन्जिला है, ठीक है। दूसरे दूसरे नाम जो इनके दे रखे हैं, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ठीक। बाथ स्पॉन्ज, यूस्पॉन्जिया होता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये फाइलम खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं अपन इंपॉर्टेंट फाइलम दैट इज सिलेंट्रे, ठीक है। न्यूमोनिक्स नहीं बनेंगे विकास, बहुत मुश्किल है एनिमल किंगडम के न्यूमोनिक्स, ठीक है। मैं बताऊं आपको, मैं आपको अपना एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, मतलब बहुत पहले जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक, तब मैंने खूब न्यूमोनिक्स बनाए, पर जब क्लास में जाती थी तो ये याद सोचती थी किसका न्यूमोनिक था क्या, तो न्यूमोनिक्स याद नहीं रहेंगे। सेम ट्रिक वापस से अप्लाई करनी है, रोज एग्जाम्पल्स को याद करना है, धीरे धीरे एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे, मत टेंशन करो, ठीक। नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं दैट इज फाइलम सिलेंट्रे, जिसको निडेरिया भी कहा जाता है। सिफिलाइजेशन क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ हेड, उसको सिफिलाइजेशन बोलते हैं, एनेलिड से आता है वो, ठीक, ओके। अब इनका हैबिटेट क्या है? एक्वाटिक है ये, ठीक है, मोस्टली मराइन है, सिसाइल है, फ्री स्विमिंग है, रेडियली सिमेट्रिकल है, एंड निडेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका हैबिटेट क्या हो गया? एक्वाटिक हो गया। एक्वाटिक में ये मेनली मराइन होते हैं, ये या तो सिसाइल है या फिर फ्री लिविंग, फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स है, रेडियली सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब इनका ये जो नाम है, ये नाम कैसे आया? बिकॉज इनके पास एक स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स हैं दैट इज कॉल्ड एज नीडोब्लास्ट, ठीक, इन नीडोब्लास्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग कैप्सूल्स प्रेजेंट है और ये पॉइजन रिलीज करते हैं और इस पॉइजन से ये अपना प्रोटेक्शन भी करते हैं और अपने प्रे को भी किल कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो नीडोब्लास्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज, चिपकने के काम में आते हैं, डिफेंस के काम में आते हैं एंड फॉर द कैप्चर ऑफ इट्स प्रे। नीट का क्वेश्चन है कि इनके नीडोब्लास्ट का फंक्शन क्या है, एंकरेज। ठीक है, एंकरेज से ये अपने आप को किसी भी चीज के ऊपर अटैच कर लेते हैं डिफेंस में। ठीक है, ये पॉइजन रिलीज करते हैं और अपना प्रोटेक्शन करते हैं और साथ साथ में अपने प्रे को भी मारते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब सेल्यूलर लेवल से हम किसकी तरफ मूव कर चुके हैं, हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर मूव कर चुके हैं। और यहाँ पर जो जर्म लेयर है वो कैसी है, यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है और ये ऑर्गेनिजम्स एसीलोमेट्स हैं। ठीक है, इनके पास सीलोम प्रेजेंट नहीं होगा, बट इनकी बॉडी के सेंटर में एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है विद सिंगल ओपनिंग माउथ और हाइपोस्टोम। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल के बाहर डाइजेशन होगा और इंट्रासेल्यूलर मतलब सेल के अंदर भी हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है इनकी लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल में दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, एक आता है पॉलिप फॉर्म और एक आता है इसका मेड्यूसा फॉर्म। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, आप उसको समझ लो। सिविलाइजेशन बेटा हेड का डेवलपमेंट, हेड आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये हेड है ना अपना, तो ऐसा हेड अगर डेवलप हो गया तो सिविलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, अब सिलेंट्रेट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर दो फॉर्म्स देखने के लिए मिलते हैं हमको, एक होता है पॉलिप फॉर्म ऐसे और एक होता है मेड्यूसा फॉर्म। तो ये फॉर्म होता है पॉलिप और ये फॉर्म होता है हमारा मेड्यूसा। ठीक है, अब ये जो पॉलिप और मेड्यूसा है ये एक दूसरे के साथ, ये लाइफ साइकिल में एक दूसरे के बाद आते हैं, तो इसको बोला जाता है मेटाजेनेसिस या फिर इसको बोला जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, अब ये जो पॉलिप होता है ये कैसा होता है, ये यू शेप स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर होता है, और जो मेड्यूसा है ये होता है अम्ब्रेला, छाते के जैसा। ठीक है, पॉलिप जनरली लोकोमोशन शो नहीं करता। ठीक है, और ये मोटाइल होता है, ये कैसा होता है, ये मोटाइल होता है। अब मेड्यूसा क्या करता है, मेड्यूसा गेमीट्स प्रोड्यूस करता है। मेड्यूसा क्या करता है, मेड्यूसा गेमीट्स प्रोड्यूस करता है। गेमीट्स प्रोड्यूस होंगे इस तरह से, एन और एन का फ्यूज होगा, 2n स्ट्रक्चर बनेगा और ये 2n स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है पॉलिप के अंदर। दैट मीन्स मेड्यूसा जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। और ये जो पॉलिप है, ये पॉलिप कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। और ये कौन सा फॉर्म बनाता है, ये मेड्यूसा फॉर्म बनाता है। तो इस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। दिस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। इस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस कहते हैं। एंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेट्स। ठीक है, कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट यहां तक? चलो वापस से आ जाते हैं। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, पॉलिप एंड मेड्यूसा। ठीक है, द फॉर्मर इज सिसाइल, जो पॉलिप है वो चल नहीं सकता, सिलेंड्रिकल है, यू शेप्ड है। ठीक है, वेयर एज जो मेड्यूसा है वो अम्ब्रेला शेप्ड है एंड फ्री स्विमिंग है लाइक ओरेलिया और जेलीफिश। ये एग्जांपल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। दोज निडेरियंस व्हिच एग्जिस्ट बोथ फॉर्म्स, they exhibit alternation of generation that is called as metagenesis, that is polyps produces medusa asexually and medusa forms polyps sexually। ab iske examples yaad kar lo, Physalia Portuguese man of war कहते हैं, Adamsia कहते हैं, Pennatula कहते हैं, Gorgonia कहते हैं। ठीक है, ब्रेन कोरल कहते हैं। ये नाम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसका कोई वे आउट नहीं है। अब इसका डायग्राम देख लो, ये ओरेलिया का मेड्यूसा फॉर्म है, ये एडमिशिया का पॉलिप फॉर्म है, एक अम्ब्रेला शेप्ड हो गया और एक सिलेंड्रिकल हो गया। ये मैंने आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बारे में अगर एक बार क्विकली अपन एक रिव्यू ले लें तो इस फाइलम की सबसे खास बात क्या होगी कि इनके पास स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे ये पॉइजन रिलीज करते हैं, अपना डिफेंस करते हैं, एंकरेज करते हैं अपने नीडोब्लास्ट की हेल्प से और साथ साथ में ये अपने प्रे को भी मारते हैं। ठीक है, फिर इनके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अगर अपन तो इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, टिश्यू लेवल हो जाएगा। सिमेट्री के बारे में बात करें अगर अपन तो इनकी सिमेट्री कैसे है, ये रेडियली सिमेट्रिकल है। ठीक है, फिर इसके बाद इनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों फॉर्म से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ये मेटाजेनेसिस ऑफ जनरेशन शो कर रहे हैं या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो कर रहे हैं जिसमें पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म एक दूसरे से इंटरचेंज हो रहे हैं। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है, तो इनका बॉडी ब्लाइंड सैक हो गया और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो गया बच्चों, इनकम्प्लीट हो गया। ठीक है, और इसकी क्या खास बात आएगी, आई थिंक सारे पॉइंट्स खत्म हो गए। नोटोकॉर्ड इनके पास होगा ही नहीं क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट्स हैं और ये एज कोरल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये बात आप जानते हो, इसमें कुछ खास बात नहीं है। और इसके सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी बॉडी के सेंटर में एक कैविटी प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, दिस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ठीक है नितिन, थैंक यू सो मच फॉर बोथ द कॉम्प्लीमेंट्स। अभी आप पढ़ाई कर लो, ठीक है, पढ़ाई अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई डाउट, कोई डाउट? ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, है ना? ठीक है, यू शेप के साथ साथ आप यहाँ पे सिलेंड्रिकल भी लिख सकते हो ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको नोट्स प्रॉपर मिल जाए। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट? चलिए, टीनोफोरा। ठीक है, छोटा सा फाइलम है टीनोफोरा, सिलेंट्रेट्स के जैसा ही होता है। ठीक है, अगर अपन बात करें इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तो ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करेगा। सिमेट्री की बात करें तो ये रेडियली सिमेट्रिकल है, एसिलोमेट है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। ये सारी चीजें इसकी एग्जैक्टली सिलेंट्रेट के जैसी ही है, यहाँ पर टिश्यू लेवल मिलेगा। ठीक है, टीनोफोरा इज कॉमनली कॉल्ड एज सी वॉलनट, ठीक है, अखरोट के जैसा। ठीक है, या फिर दे आर कॉल्ड एज पूम जेलीज, या फिर इसको जैसा आंवला होता है ना, आंवला, इंडियन गूसबेरी, खट्टा सा आंवला जो होता है, आप सबने आंवला देखा होगा, तो इसको कई जगह पर गूसबेरी के नाम से भी जाना गया है। कि जो टीनोफोरा फाइलम है ये कैसा लगता है, ये इंडियन गूसबेरी जैसा लगता है, आंवले के जैसा लगता है। ठीक है, दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये कैसे है, एक्सक्लूसिवली मेराइन है, ये सिर्फ समुद्र में आपको मिलेंगे, फ्रेश वाटर में ये नहीं मिलेंगे। रेडियली सिमेट्रिकल है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। डिप्लोब्लास्टिक है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर हाईलाइट कर लेना है, विकास हाईलाइट कर लेना। और ये तो मिट गया, सॉरी। The body bears 8 external rows of ciliated comb plates. ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर 8 comb plates प्रेजेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि comb plates जो टीनोफोरा पे प्रेजेंट है क्या वो ciliated है या नॉन ciliated है, तो हमारा राइट आंसर होगा कि वो ciliated है। एंड दिस बेसिकली हेल्प्स इन लोकोमोशन, और ये किसमें हेल्प करती है, ये लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक स्टैटोसिस्ट भी प्रेजेंट होता है, अभी बताती हूँ स्टैटोसिस्ट के बारे में भी। यहाँ पर देखो, एक मैं हाईलाइटर लूंगी ही नहीं, अब पेन से ही काम करूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये यहाँ पर केस में हेल्प करेंगी, लोकोमोशन में हेल्प करेंगी। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल के बाहर, एंड इंट्रा सेल्यूलर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ टीनोफोरा इज बायोल्यूमिनेंस, ये अपनी अंदर से एक रोशनी निकालती है और ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके, विकास इमोशनल हो गया मैम, क्यों इमोशनल हो गया विकास? और ये कौन है, एससी कैंडिडेट शैल रूल द वर्ल्ड। ओके मैम, आपका स्टूडेंट हूँ, मेरा स्टूडेंट है, क्या प्रॉब्लम है बेटा, लिख दे फटाफट चैट बॉक्स में, जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, और विकास इमोशनल मत हो, पढ़ाई करनी है, 60 दिन बचे हैं, इस साल नीट फोड़ना ही है, इस साल मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, इस साल हमको रैंक के पीछे भागना है। ये मत सोचो 600 प्लस, हम 650 प्लस को टारगेट करेंगे, और बहुत आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बायोल्यूमिनेंस, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू इमिट लाइट, ये प्रकाश निकालते हैं अपने अंदर से, एंड दैट इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेंस। ठीक है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टीनोफोरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो है वो कैसा है, वो एब्सेंट है, वो है ही नहीं। तो ये सिर्फ कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मीन से ही रिप्रोड्यूस करेंगे। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बॉडी के बाहर होगा, पानी के अंदर होगा, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, दैट मीन्स यहाँ पर लार्वा क्या है, लार्वा यहाँ पर प्रेजेंट है। एग्जाम्पल इज, दो ही एग्जाम्पल हमको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लेना। ठीक है, इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये मिस्टर एससी कैंडिडेट शैल रूल द वर्ल्ड, अरे रे 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 रे, मुझे लगा तुझे एक पढ़ाई का डाउट है, पर तू तो कुछ और ही डाउट बता रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना अपने को। ठीक है, इस बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बात डिस्कस करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। एक स्टैटोसिस्ट करके ऑर्गन है जो कि क्या करता है, तैरने वाले ऑर्गेनिजम्स को बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब तो एनसीईआरटी से हटा दिया इस पॉइंट को, पहले पुरानी एनसीईआरटी के अंदर होता था कि जो सिलेंट्रेट्स हैं और जो टीनोफोरा है उनके पास एक बैलेंसिंग ऑर्गन है जिसका नाम होता है स्टैटोसिस्ट। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इनका नाम होता है स्टैटोसिस्ट। ये किस में हेल्प करते हैं, ये बैलेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। तो पॉलिप और मेड्यूसा में, मेड्यूसा जो स्विम कर रहा है उसके पास ये स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होता है जो कि इसको बैलेंस में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर टीनोफोरा हमारा खत्म हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज सीलिएटेड कूम प्लेट्स आपको याद रखनी है, ये लोकोमोशन में हेल्प करती है, बायोल्यूमिनेंस याद करना है, और रिप्रोडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मीन से है, एसेक्सुअल का यहाँ पर कोई काम नहीं है, और डेवलपमेंट जो है यहाँ पर इनडायरेक्ट है। क्रिश पुलिस कुछ नहीं कर रही है मैम, पेरेंट्स डरे हुए हैं। चलो, इस बारे में अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, टेंशन नहीं, बट यहाँ पर इसको डिस्कस करना ठीक नहीं है, है ना। और क्रिश तू भी पढ़ाई पे ध्यान लगा। नेक्स्ट फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस, बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है, यहाँ पर बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। प्लैटीहेलमिंथेस जो फाइलम है पहले सुन लो, उसके बाद एनसीईआरटी में मार्क करा दूंगी। इसका सबसे स्पेशल फीचर है, प्लैटीहेलमिंथेस फाइलम का सबसे स्पेशल फीचर है दैट दे आर फ्लैटेंड ऑर्गेनिज्म। ये पेपर वर्म्स है, ये बिल्कुल चिपके हुए हैं, बिल्कुल ही डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, ये इनका सबसे खास फीचर है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें इनकी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। सिमेट्री की बात करें तो सबसे पहली बार पूरे एनिमल किंगडम में सबसे पहली बार बायलैटरल सिमेट्री प्लैटीहेलमिंथेस से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, इनकी बॉडी कैविटी कैसी है, इनके पास बॉडी कैविटी नहीं है, ये एसिलोमेट है क्योंकि चिपके हुए हैं, बिल्कुल ही चिपके हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, इसलिए बॉडी कैविटी क्या होती है इनकी, एसिलोमेट होती है। जर्म लेयर इनकी कैसी होगी, इनकी जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, दैट मीन्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, इनका रिप्रोडक्शन, इनकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी है, इनकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट नहीं है, इनके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग है और इनको बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो ये इनके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, और यहाँ पर आपको सूडो मेटामेरिज्म भी देखने के लिए मिलेगा। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। They have dorsoventral flattened body, ठीक है, dorsoventral मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ से कैसे हैं, पिचके हुए हैं, hence they are also called as flatworms, और इनको फ्लैटवर्म के साथ साथ पेपर वर्म्स भी बोला गया है। ठीक है, दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, का मतलब ये पैरासाइट है और एंडो है मतलब ये बॉडी के अंदर रहेंगे। एक होते हैं एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के बाहर रहते हैं, पर एंडोपैरासाइट जो होते हैं वो बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब ये बहुत सारे एनिमल्स में रहते हैं और ह्यूमन बींग्स में भी ये एज एंडोपैरासाइट्स हमको मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेटफॉर्म्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर नीट के 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इनके पास हुक्स भी प्रेजेंट है और इनके पास सकर्स भी प्रेजेंट है। अब हुक्स और सकर्स का क्या फंक्शन है? हुक्स जो होते हैं ये इनको एडेशन में हेल्प करते हैं, चिपकने में हेल्प करते हैं, और जो सकर्स होते हैं वो एडेशन के साथ साथ इनको सक करने में भी हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन सक करने में भी इनको हेल्प करेंगे। ठीक है। अब सम ऑफ देम अब्सॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम दी होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। अब यहाँ पर क्या चीज है बच्चों, क्योंकि ये पैरासाइट है, ये बॉडी के अंदर रहते हैं, ये बॉडी के अंदर रहते हैं, इसीलिए इनके पास क्या है, इनको डाइजेशन की कोई नीड ही नहीं है। ये डाइजेस्टेड फूड को ही क्या कर लेते हैं, डाइजेस्टेड फूड को ही अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये इनकी सबसे खास बात है, इसीलिए इनका एलिमेंट्री कैनाल डेवलप नहीं होता। अब इनके पास वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स डेवलप्ड फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इनके पास सबसे पहला ऑर्गन डेवलप हुआ जो कि एक्सक्रीशन के प्रोसेस में हेल्प करेगा, और उस ऑर्गन को क्या बोला गया, फ्लेम सेल, सोलेनोसाइट्स, प्रोटोनेफ्रीडिया। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट हो गए। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल and the development is through many larval stages, that means इनका जो development है वो कैसा हो गया, इनका development हो गया indirect, इनका development हो गया indirect। Some members like planaria possesses high regeneration capacity। ये अपन पढ़ चुके हैं कि प्लेनेरिया को अगर हम पीसेस में ब्रेक करें तो हर पीस अपना लॉस्ट पार्ट वापस बना लेगा। तो प्लेनेरिया क्या है, प्लेनेरिया एक फ्लैट वर्म है। Other examples include tinea, that is tapeworm, fascicola, that is liver fluke। और ये example important है। और यहाँ पर आपको ये lines देखने को मिल रही हैं, ये pseudo metamerism है। pseudo metamerism का मतलब कि लाइन सिर्फ organism को externally divide कर रही है, internally इनको divide नहीं करती है। श्री जिन चाइना की क्या करूंगी मैं, Are you from China? चाइना आके क्या करूं मैं बेटा, जरा आप मुझे बताइए कि क्या करना है मुझे, चाइना आके आ जाऊंगी, चाइना भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लिख लेना सूडो मेटामेरिज्म यहाँ पर प्रेजेंट है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस। ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम की अभी यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही है क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम अभी डेवलप ही नहीं हुआ है। यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो गया है, उसके लिए एक ऑर्गन डेवलप हो गया जिसको बोला गया है फ्लेम सेल, सोलेनोसाइट्स या फिर प्रोटोनेफ्रिटिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं फाइलम एस्कीहेलमिन्थिस पे। यहां तक कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लो। करीना मैम ये बूट कैंप क्लासेस कब तक कंडक्ट होंगी? करीना तेरे को कब तक चाहिए ये क्लासेस, तब तक कंडक्ट कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तू बता तुझे कब तक चाहिए क्लासेस? विकास नहीं जाऊं मैं, चाइना नहीं जाऊंगी, वो पता नहीं क्यों बुला रहा है मुझे जिनपिंग। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, है ना। पानी वानी का ब्रेक ले लो आप भी। चाइना में बात करेंगे इस बारे में, बढ़िया से अन अकेडमी का सेंटर खोलेंगे। आप जैसे टीचर्स की हमें जरूरत है, और मुझे लिथियम चाहिए। करीना नो मैम, क्या नो मैम, नहीं जाऊं चाइना कि जाऊं चाइना? ठीक है, डिस्कशन है। मैम एक रिक्वेस्ट है, प्लीज किसी को मत बताना कि आपने मुझे यहाँ देखा है, कॉज न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब इज एन। पढ़ ले बेटा अपन, जिनपिंग जी पढ़ ले। अच्छा फटाफट से मुझे बताओ, पॉरीफेरा, सिलिंट्रे, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थिस तक कोई भी अगर डाउट है, कोई भी अगर डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और करीना तुझे ये कैसे पता कि मैं कोटा से हूं? मैं कहीं और से भी तो ऑनलाइन क्लास ले सकती हूँ, कुछ भी। चलो कोई डाउट है यहां तक तो प्लीज पूछ लो, वरना फिर अपन राउंड वर्म्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राउंड वर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है। कहां से आ गए? एस्कीहेलमिन्थिस को राउंड वर्म्स भी बोला जाता है। ठीक है, एस्कीहेलमिन्थिस इज आल्सो कॉल्ड एज राउंड वर्म। द बॉडी ऑफ एस्कीहेलमिन्थिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। अगर काट के उनको देखेंगे तो इनकी बॉडी कैसी है, सर्कुलर है, इसीलिए इनको राउंड वर्म्स भी बोला जाता है। दे मे बी, इनका हैबिटेट हैबिट और हैबिटेट, दे में भी फ्री लिविंग, अकेले रह सकते हैं, पानी में रह सकते हैं, लैंड पे रह सकते हैं या फिर पैरासिटिक फॉर्म में भी रह सकते हैं, एंड दे आर पैरासाइट टू बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. roundworms have organ system level of body organization. This is very important. NEET star पहली बार organ system level of organization आया. अगर अपन पोरीफेरा से देखें तो पोरीफेरा में cellular, cylindrate में tissue, Ctenophora में tissue, प्लेटी में ऑर्गन, और यहाँ पर कैसा सिस्टम आ गया, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया. अब एक बार ऑर्गन सिस्टम लेवल यहाँ पर आ गया तो नीचे कॉर्डेट्स तक, क्लास मेमेलिया तक कौन सा लेवल चलेगा, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ही चलेगा. मैम कोटा सेंटर में ही पढ़ाते हैं, ठीक है, चल डिटेल्स में नहीं जाएंगे. दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ठीक है, बायलैटरल सिमेट्रिकल. प्लैटीहेल्मिन्थिस से बायलैटरल सिमेट्रिकल आ गया. जो टीनोफोरा है, जो पोरीफेरा है वो एसिमेट्रिकल है, उसके बाद सिलिंड्रेट, टीनोफोरा रेडियली सिमेट्रिकल है, और प्लैटी से बायलैटरल सिमेट्री जो है वो स्टार्ट हो चुकी है. ट्रिप्लोब्लास्टिक है, प्लैटी सबसे पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक हुआ था, तो अब सारे फाइलम्स कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगाकर लिख लेना. सूडोसीलोमेट पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ एस्कीहेल्मिन्थिस अकेला ऐसा फाइलम है जो सूडोसीलोमेट है, बाकी सारे इसके बाद यूसीलोमेट होंगे और इससे ऊपर सारे एसीलोमेट्स होंगे. एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट यहाँ पर विद अ वेल डेवलप्ड मस्क्यूलर फेरिंग्स. इस मस्क्यूलर फेरिंग से ये सब करते हैं. एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी, और इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन को क्या बोला जाता है, their excretory organ is called as rennet cells. Their excretory organs are called as rennet cells या फिर H-shaped cells इनको कहते हैं, ठीक है. Very important, the sexes are separate, ठीक है. Sexes are separate मतलब ये dioecious हैं, that is male and females are distinct. अब यहाँ पर very important, एक बार diagram पर आ जाओ मेरे साथ, एक बार diagram पर आ जाओ. देखो ये male है और ये यहाँ पर फीमेल है. जो मेल होता है वो शॉर्टर इन लेंथ होता है, जो मेल है वो शॉर्टर इन लेंथ है, और जो फीमेल है उसकी लेंथ जो है वो लॉन्गर है मेल के कंपैरिजन में. एक और चीज, मेल की जो टेल है वो ऐसे यहाँ फोल्डेड होती है और यहाँ पर ऐसा कोई सर्कुलर एंड प्रेजेंट नहीं होता. तो यहाँ पर देखने से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, देखने से हम ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि मेल ऑर्गेनिज्म कौन सा है और फीमेल ऑर्गेनिज्म कौन सी है. ऐसे फीचर को हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. ऐसे फीचर को हम बोलते हैं सेक्सुअल, ऐसे फीचर को हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है. मैं पक्का एक स्टूल लेकर आऊंगी कल से ऊपर लिखने के लिए, मेरी हाइट नहीं पहुंच रही है, मुझे दिक्कत आती है. तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब हो गया कि सेक्सेस को एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से देखकर हम समझ सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है. तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, दैट इज डायोशियस है, मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, ऑफन females are longer than males, fertilization is internal, ठीक है, and development may be direct और it may be indirect. जो development है इनका direct भी हो सकता है और development जो है इनका indirect भी हो सकता है. direct है तो larva नहीं है और indirect है तो यहाँ पर larva present है. examples हैं ascaris जिसको roundworm कहा जाता है, wucheria, ठीक है, filarial worm और encyclostoma that is called as hookworm. यहाँ पर जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है वो हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा. तो यहाँ पर जो चीजें डेवलपमेंटल स्टेजेस में आई हैं, ठीक है, उसको अपन एक बार लिख सकते हैं. डेवलपमेंटल स्टेजेस में नई चीज जो डेवलप हुई है ये सूडोसीलोमेट है, ठीक है, ये सूडोसीलोमेट है. इनके पास एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कैसी हो गई है, कंप्लीट हो गई है, मतलब माउथ और एनस अलग अलग ओपनिंग्स में प्रेजेंट है. यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमको देखने के लिए मिल चुका है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जिसमें मेल एंड फीमेल, मेल जो है वो लेंथ में शॉर्ट है और उसकी टेल में एक सर्कुलर एंड प्रेजेंट है, ठीक है, सर्कुलर एंड है. फीमेल जो है वो लॉन्गर है और उसके पास ऐसा कोई सर्कुलर एंड नहीं है. और इस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की वजह से डेफिनेटली मेल और फीमेल सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट है. और यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए, यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड रेनेट सेल्स आ चुके हैं जो एच शेप सेल्स भी होते हैं, ठीक है। और इसमें खास बात तो कुछ नहीं है, सिमेट्री इसकी बायलैटरल होगी ही सही, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो सेगमेंटेशन है वो प्रेजेंट नहीं है, और ये राउंड वर्म्स हैं, ठीक है, ये गोल गोल दिखेंगे आपको। फ्री लिविंग है, सब सारी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है जो अपन यहाँ पर ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, एग्जाम्पल्स आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एनालिडा पे आते हैं। एनालिडा बहुत ही अच्छा फाइलम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है एनालिडा फाइलम, ठीक है। एनालिडा फाइलम मुझे क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि इसके जो ऑर्गेनिजम्स है इनके ऊपर रिंग्स प्रेजेंट है, एन्यूल्स प्रेजेंट है, और ये रिंग्स या एन्यूल्स इनको एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली भी बाइसेक्ट करती हैं, है ना। बाइसेक्ट करती है मतलब जो सेगमेंट्स बॉडी के बाहर इनको सेक्शंस में डिवाइड करें, ऐसे ही सेक्शंस इनकी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है जो कि इनको इंटरनल कंपार्टमेंट्स में भी डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट जो है इनका एक्वाटिक, मराइन और फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, लैंड पे रह सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, एंड समटाइम्स दे आर पैरासिटिक ऑल्सो। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक बार राउंड वर्म से ये लेवल स्टार्ट हो गया तो नीचे तक अब यही सिस्टम चलेगा। बायलैटरल सिमेट्री प्लैटी से स्टार्ट हो गई तो बायलैटरल ही चलेगी, प्लैटी से ट्रिप्लोप्लास्टिक स्टार्ट हो गया तो ट्रिप्लो ही चलेगा। सबसे पहली बार ये ऑर्गेनिज्म ट्रू सीलोम लेकर आए हैं, इनका जो सीलोम है वो एकदम सच्चा है, झूठा नहीं है, सो दे आर कॉल्ड एज यूसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स, और इनका सीलोम कैसा है, शाइजोसीलोम है। एंड दे आर ऑल्सो मेटामेरिकली सेगमेंटेड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर बॉडी सर्फेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स, इनकी बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स या मेटामर्स में डिवाइडेड है, हेंस द नेम कम्स एनालिडा, क्योंकि एनालिडा वर्ड आया है लैटिन टर्म एन्यूल से जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग। आप सब ने अर्थवर्म को देखा है, अर्थवर्म के ऊपर छोटी 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 लाइंस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, वो उसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करती हैं। अर्थवर्म को अगर काट के देखा जाएगा तो ये एक्सटर्नल सेगमेंट इनको इंटरनल सेगमेंट्स में भी डिवाइड करते हैं, ठीक है, यहां तक कोई डाउट। अब दे पोजेसेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्क्यूलर मसल्स, ये इंपॉर्टेंट है, इनके पास दो तरीके की मसल्स है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्क्यूलर, जिसकी हेल्प से ये लोकोमोशन करते हैं। एक्वाटिक एनेलिड्स लाइक नीरीज पोजेसेस लैटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया, जो कि इनको स्विमिंग में हेल्प करता है। अदरवाइज लोकोमोशन के लिए इनके पास जो है वो मसल्स है, ठीक है, कैसी मसल्स है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। बट एक्वाटिक लाइफ फॉर्म के पास स्विमिंग करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एज पैरापोडिया। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, कैसा सिस्टम, क्लोज, बट नीरीज एक्सेप्शन है जिसका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, ये मैं पहले ही लिखवा चुकी हूं, ठीक है मेरे बच्चों। अब एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इनके पास नेफ्रीडिया प्रेजेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर न्यूरल सिस्टम डेवलप हो गया, न्यूरल सिस्टम में क्या होगा, हमसे ऑपोजिट होगा, हमारी जो नर्व कॉर्ड है वो डॉर्सल है, इनकी नर्व कॉर्ड क्या होगी, वेंट्रल होगी। हमारी नर्व कॉर्ड हॉलो है, खोखली है, पर इनकी कैसी है, सॉलिड है और डबल होगी, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स, वेरी इंपॉर्टेंट, टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। नीरीज एंड एक्वाटिक फॉर्म इज डायोशियस, ठीक, बट अर्थवर्म्स एंड लीचेस आर मोनोशियस, दैट इज अर्थवर्म और लीचेस जो हैं ये कैसे हैं, ये हर्माफ्रोडाइट्स है, रिप्रोडक्शन इसका सेक्सुअल है। एग्जाम्पल है नीरीज, पेरेटिमा एंड हिरुडुनेरिया, यहाँ पर एग्जाम्पल्स हो गए नीरीज, पेरेटिमा एंड हिरुडुनेरिया, ठीक है। हिरुडुनेरिया क्या होता है, ब्लड सकिंग लीच, ठीक है, नीरीज एक्सेप्शन है, याद रखना। नीरीज का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होता है, ओपन होता है, ठीक है, बाकी सबका क्लोज होता है। और एक और खास बात जो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि अर्थवर्म का जो रेस्पिरेशन है दैट इज थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, और ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। कोई और दिक्कत, इसमें सारी चीजें कवर हो गई हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। एंड हम मूव करते हैं लार्जेस्ट फाइलम की तरफ, दैट इज आर्थ्रोपोडा, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। आर्थ्रोपोडा की सबसे खास बात इनके पास जॉइंट अपेंडेजेस प्रेजेंट है और इन जॉइंटेड अपेंडेजेस की वजह से ही इनका नाम पड़ा है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड और जो पोडा हो गया दैट इज अपेंडेजेस या फिर लेग्स। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? मैम आप अनअकैडमी कोटा सेंटर में पढ़ाती हैं? मैं वहां का स्टूडेंट हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है, तो आपने फिर मुझे देख रखा होगा। ठीक है, चलो चलो डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। ये क्या इंक्लूड करते हैं? इट इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। ओवर 2/3 ऑफ द नेम स्पीशीज ऑन द अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, सबसे बड़ा फाइलम है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनका सिमेट्री बायलैटरल होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सेगमेंटेड होंगे एंड सिलोमेट एनिमल्स। ठीक है, ये सारी चीजें अपन बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे, इनके पास ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगा। ये सारी चीजें अब आप आई थिंक सो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो चुकी होगी। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। इनकी जो बॉडी है वो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। अब काइटिन क्या होता है बच्चों? काइटिन आवाज आएगी, वो जो पच पच करके या जो पिच पिच आवाज आ रही है, दैट आवाज इज कमिंग बिकॉज ऑफ दिस काइटिन का एक्सोस्केलेटन। काइटिन का एक्सोस्केलेटन मतलब इनकी बॉडी बाहरी तौर पर कवर्ड होती है काइटिन से और ये काइटिन इनको एक्सट्रीमली प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए ये कहीं पर भी प्रेजेंट हो जाते हैं, ये कहीं से भी निकल कर आ जाते हैं। तो ये जो आप कॉकरोच को मार रहे हो, मच्छर को मार रहे हो, पिच पिच आवाज जो आ रही है वो काइटिन की वजह से ही आ रही है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ऐसे हेड इस तरह से, ठीक है, तो ये इसका होता है हेड, ये इसका होता है थोरैक्स और ये इसका होता है एब्डोमेन। ठीक है, ये इसका होता है एब्डोमेन। अब कुछ आर्थ्रोपोड्स में हेड और थोरैक्स जो होता है ये फ्यूज होता है एंड दिस इज कॉल्ड एज सिफेलोथोरैक्स। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज सिफेलोथोरैक्स। ठीक है, तो जब अपन कॉकरोच पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे ही सही। तो इनकी बॉडी जो है वो क्लियरली 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। कुछ केसेस में जो हेड और थोरैक्स है वो फ्यूज होता है जिसको हम बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स। ठीक है, चलो। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये मेन फीचर है इसका। आर्थ्रोस मतलब जॉइंट और पोडा मतलब अपेंडेजेस या फिर लेग्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर ये अलग अलग सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। इनके पास रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं। जैसे अगर मैं क्रस्टेशियंस की बात करूं तो क्रस्टेशियंस के पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं इंसेक्टा की बात करूं तो इंसेक्टा के पास ट्रेकियल सिस्टम है। अगर मैं एरिकनिडा की बात करूं तो उनके पास बुक लंग्स प्रेजेंट है। और किंग क्रैब या ल्यूम्यूलस की जो लिविंग फॉसिल है उसकी बात करूं तो उसके पास बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। लिख दूं क्या मैं इसको? मैं लिख देती हूं ताकि आपको ये याद रहे और आपके नोट्स भी बन जाएं। ठीक है, लिख दूं इसको। क्रस्टेशियंस, इंसेक्टा, एरेक्निडा और किंग क्रैब या लिम्यूलस। ठीक है, तो ये है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है बट हाँ पहले इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता था। तो क्रस्टेशियंस जो हैं उनके पास गिल्स प्रेजेंट है, इंसेक्टा के पास ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है, एरेक्निडा के पास बुक लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, और किंग क्रैब के पास बुक गिल्स प्रेजेंट है, इसके पास बुक गिल्स प्रेजेंट है। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है, जिससे आप याद रख सकते हो। ठीक, तो बड़ा फाइलम है तो बहुत सारी चीजें हैं इनके पास रेस्पिरेशन करने के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कैसा है? ओपन है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। यहां पर कोई एक्सेप्शन काम नहीं करेगा। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है और इनका जो बॉडी फ्लूइड है, जो ब्लड है, वो कलरलेस है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एज हीमोलिम्फ। वो कैसा है? वो कलरलेस है। ठीक, अब कई बार आप आपने कॉकरोच मारा है ना, नहीं मारा तो आप एक कॉकरोच मेरी तरफ से मार के देखना। जब उसे चप्पल से पच करके मारते हो तो उससे एक व्हाइट कलर का लिक्विड बाहर निकलता है, तो वो जो व्हाइट कलर का लिक्विड है वो क्या है, उसका ब्लड है। और ब्लड कैसा है, कलरलेस है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर हीमोलिम्फ प्रेजेंट है। अब बहुत समझदार बच्चे पूछेंगे कि मैम जब मॉस्किटो को ऐसे टंग करके हम मारते हैं है ना, या रात में सो रहे होते हैं तो मॉस्किटो कान में बिज बिज करता है, बहुत इरिटेटिंग साउंड करता है, तो उस बिज बिज से बचने के लिए हम जब उसको मारते हैं तो हमारे हाथ के ऊपर तो खून आता है, तो ये बात तो आप गलत बोल रहे हो कि जो मॉस्किटोज है या जो आर्थ्रोपोडा है उनका ब्लड कलरलेस होता है। मैम मैंने तो अभी जस्ट मार के देखा है मच्छर, वो तो पच करके मर गया, हाँ पच वाली आवाज तो आ गई, तो मैम आपकी काइटिन की कवरिंग की बात तो ठीक है, पर वो रेड कलर का जो ब्लड आया तो मैम ये तो गड़बड़ बात है। तो गड़बड़ बात नहीं है मेरे बच्चों, बात ये है कि मच्छर को जब हम ऐसे करके मार रहे हैं तो जो खून है वो हमारा ही खून है, ठीक है, उसने जो सक कर लिया था वो ही बाहर निकल कर आ रहा है, तो वो हमारा ही ब्लड है। अदरवाइज all arthropods will have colorless blood, that is they will have hemolymph and the circulation is open. ओके, सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, ठीक है, आपने कॉकरोच देखा है, कॉकरोच के ऐसे एंटीना निकले हुए होते हैं, तो ये एंटीना उनके लिए एक सेंसरी ऑर्गन के जैसे काम करता है। आपने देखा होगा कि कॉकरोच अगर आपके पास आ रहा है और आप दुगनी तेजी से उससे दूर भाग रहे हो तो कॉकरोच भी आपसे दूर भागने लग जाएगा, क्योंकि जब हम भागते हैं तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और उन वाइब्रेशंस को सेंस कर लेता है कॉकरोच के एंटीना, ठीक है। इनके पास आईज प्रेजेंट है, और आईज कैसी होती है, कंपाउंड एंड सिंपल, ठीक है। कंपाउंड आईज वो आईज होती है जहां पर इमेज जो बनती है वो मोज़ेक पैटर्न में बनती है, ठीक है। इनके पास स्टैटोसिस्ट्स हैं जो कि बैलेंस करने के काम में आते हैं, यही स्टैटोसिस्ट मैंने आपको बताए थे सिलिंट्रेट और टीनोफोरा में कि वहां पर भी बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, दे आर मेनली डायोशियस। कैसे हैं ये, डायोशियस हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, दे आर ओवीपैरस, मतलब ये एग लेइंग है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट भी हो सकता है और डेवलपमेंट इनका जो है वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। छोटा हमारा खून हम इसे वेरी गुड, ये बहुत अच्छी लाइन है, हमारा खून हमसे ही करवा देता है, वेरी गुड, ठीक है। तो अब अगर इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करूं तो जो क्रस्टेशियंस है ना बच्चों, मैं दूसरे कलर से लिख देती हूं, क्रस्टेशियंस जो होते हैं इनके पास मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, इनके पास ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, सॉरी, इनके पास ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं फॉर एक्सक्रीशन। इंसेक्टा की अगर मैं बात करूं तो इंसेक्टा के पास मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, इनके पास मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स हैं। और अगर मैं एरेक्निडा की बात करूं तो फिर एरेक्निडा के पास कोएक्सियल ग्लैंड प्रेजेंट है फॉर एक्सक्रीशन, तो यहां पर कोएक्सियल ग्लैंड्स है, ठीक है। तो ये आपके रेस्पिरेशन के लिए हो गए और ये हमारे यहां पर एक्सक्रीशन के लिए हो गए, तो ये आप याद कर सकते हो, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, बट हाँ पहले इसके ऊपर क्वेश्चन आता था, ठीक है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स, हनीबी, एपिस डोमेस्टिका, बॉम्बेक सिल्कवर्म, लैसिफर लैक इंसेक्ट, ठीक है, ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स, फीमेल एनोफिलीज मलेरिया कॉज करेगी, क्यूलेक्स, एडीज, ये सब मॉस्किटोज हैं। ग्रिगेरियस पेस्ट, लोकस जो कि सारी फसल को बर्बाद कर देगा, और लिविंग फॉसिल है ल्यूम्यूलस या फिर किंगक्रैब, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक कोई डाउट है तो आप मेरे से आराम से पूछ सकते हो। चलिए, ये डायग्राम्स दे सकते हो, लोकस ये आपने देखा ही होगा, ठीक है, ये पूरी की पूरी फसल को चटाचट कर जाता है। ये बटरफ्लाई है, स्कॉर्पियन है, प्रॉन है, तो कई बार इमेज वाले क्वेश्चंस दे देते हैं और पूछा जाता है कि आप इन्हें आइडेंटिफाई करो, तो हम एज नीट स्टूडेंट जो लाइनें लिखी हुई हैं उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, पर एनसीईआरटी की इमेजेस भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ, दैट इज मोलस्का। मोलस्का इज दी सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ही है, ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। मोलस्का आर टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वाटिक, एक्वाटिक में ये मराइन और फ्रेश वाटर कुछ भी हो सकते हैं। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है एंड सिलोमेट है। और सिलोमेट में ये कैसे हैं? ये आम के लास्ट है, दैट इज मोलस्का। ऐसा फाइलम है जो लास्ट में लास्ट है, जो शाइजोसिलोम है। इसके बाद कौन स्टार्ट हो जाएगा? इसके बाद एंटेरोसिलोम स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो मोलस्क होते हैं ना, इनकी बॉडी ना बहुत ही सॉफ्ट होती है, दे आर एक्सट्रीमली सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म। तो इस सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी बॉडी कवर्ड होती है बाय कैल्केरियस शेल। और इनकी बॉडी कैसी है? अनसेगमेंटेड है, ठीक है। ये ऐसे किसी डिवीजन के अंदर डिवाइडेड नहीं है, ये डिवीजन में बिलीव करते ही नहीं है, ये अनडिवाइडेड बॉडी में ही प्रेजेंट है, ठीक। अब इन दे हैव अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। तो इनका मस्कुलर फुट इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है, इनके पास एक डिस्टिंक्टिव हेड प्रेजेंट है और एक विसरल हम्प प्रेजेंट है, ठीक है। विसरल हम्प वो पार्ट है जिसमें इनके सारे इंटरनल विसरल ऑर्गन्स जो हैं वो लोकेटेड रहते हैं। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन। अब इनकी बॉडी में जो स्किन की लेयर है वो फॉर्म करती है एक मेंटल ओवर द विसरल हम्प, एक मेंटल के ऊपर, ठीक है। इनका जो विसरल हम्प है, जो जहां पर सारे इंपॉर्टेंट विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उसके ऊपर जो स्किन है वो एक हार्ड कवरिंग प्रोड्यूस करती है और उस हार्ड कवरिंग को हम क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। अब द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है और विसरल हम्प के बीच में जो जगह है, दैट इज कॉल्ड एज द मेंटल कैविटी। और उस मेंटल कैविटी के अंदर फेदर लाइक गिल्स, इनके फेदर लाइक गिल्स को कहते हैं टिनिडिया। देयर फेदर लाइक गिल्स आर कॉल्ड एज टिनिडिया, दे आर प्रेजेंट। और टिनिडिया के दो फंक्शन है, दैट इज इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड दे हैव एक्सक्रीटरी फंक्शन। द एंटीरियर हेड रीजन, इनका जो सर वाला रीजन होता है, वहां पर सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और माउथ में ये सेंसरी टेंटिकल्स इनको बेसिकली सेंसेशंस में हेल्प करेंगे, सेंस ऑर्गन है ये। और इनके माउथ में एक टंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं रैड्यूला। और ये क्या करेगा? ये एक रैस्पिंग ऑर्गन के जैसे काम करता है और ये अपने खाने को पकड़ता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है अगर। देयर बॉडी इज अनसेगमेंटेड, इसका इंपॉर्टेंट है विसरल हम्प है इनके पास लोकोमोशन के लिए, मस्कुलर फुट है इनके पास, इनके बॉडी में एक मेंटल कैविटी है जहां पर इंपॉर्टेंट फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट हैं और वो फेदर लाइक गिल्स जो हैं दैट इज टिनिडिया, ठीक है। और ये बेसिकली रेस्पिरेशन और एक्सक्रीटरी फंक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक रैड्यूला प्रेजेंट है जो कि एक रैस्पिंग ऑर्गन है, ये क्या करेगा? इट इज लाइक टंग, इट इज टंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। और कोई बात इसमें? इसके एग्जाम्पल्स आपको पता है, पाइला, ऑक्टोपस इसके एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि मोलस्का फाइलम में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है, सिर्फ उसका एक्सेप्शन है ऑक्टोपस जो कि स्फेलोपोडा में आता है, वो क्लोज होता है, बाकी सब में ओपन है। अब ऐसे करते करते अपन बढ़िया तरीके से पढ़ते पढ़ते लास्ट फाइलम पे आ गए हैं नॉन कॉर्डेट्स के, दैट इज फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो आप मेरे से आराम से पूछ सकते हो, फिर अपन डिस्कस करते हैं लास्ट फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। ये इकाइनोडर्मेटा वाला जो फाइलम है ना बच्चों, ये मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, बहुत ही गिचगिचे से, बहुत ही पता नहीं अजीब से ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये बहुत ही हमको ओशन के बॉटम लेयर्स में देखने के लिए मिलते हैं। ये बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, ठीक है। इनके लार्वा जो है, इनका लार्वा जो है इनके अडल्ट से ज्यादा एडवांस फीचर शो करता है। कैसे शो करता है? कि जो लार्वा है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है और जो अडल्ट है वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। तो ऐसा फीचर जिसमें लार्वा एडवांस फीचर शो करता है और अडल्ट लेस एडवांस फीचर शो करता है, ऐसे फिनोमिना को हम रिट्रोग्रेसिव प्रोग्रेशन कहते हैं। ऐसे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? ऐसे फिनोमिना को हम रेट्रोग्रेसिव, ऐसे फिनोमिना को हम रेट्रोग्रेसिव प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसमें व्हेन लार्वा शोज एडवांस्ड फीचर ओवर अडल्ट। तो इकाइनोडर्मेटा की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इकाइनोडर्मेटा की मैं बात करूं तो लार्वा जो है वो बायलैटरल सिमेट्री शो करता है और जो अडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है। तो बायलैटरल सिमेट्री एक एडवांस्ड फीचर है। तो अगर लार्वा एक एडवांस फीचर शो कर रहा है और अडल्ट पुरानी चीज शो कर रहा है तो इसको हम रिट्रोग्रेसिव प्रोग्रेशन कहते हैं। और ऐसे रिट्रोग्रेसिव प्रोग्रेशन हमको आगे भी देखने के लिए मिलेंगे। हर्डमानिया के केस में है ना, वहां पर अपन इसको दोबारा से स्टडी करेंगे। तो आप यहां पर इसको याद कर लो बेसिकली कि रिट्रोग्रेसिव प्रोग्रेशन जो है वो क्या होता है। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं इकाइनोडर्मेटा को। These animals have endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name echinodermata. इनकी बॉडी कैसी होती है? They are spiny bodied. इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे कांटे टाइप निकले हुए रहते हैं। जैसे अगर ये स्टार फिश को अपन माने कि ये स्टार फिश है तो उसके ऊपर ऐसे 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 छोटे 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 कांटे निकले हुए हैं, ठीक है। इसीलिए इनको बोला जाता है स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिज्म। ये सारे मराइन है विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सारे ही मराइन है, फ्रेश वाटर में नहीं मिल रहे हैं। तो हैबिटेट एक्वाटिक है, पर एक्वाटिक में कैसे है? मराइन, ठीक है। द अडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा आर बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड दिस फीचर इज कॉल्ड एज रेट्रोग्रेसिव प्रोग्रेशन। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट। सीलोमेट में ये कैसे है? अब यहां से एक नया सीलोम स्टार्ट हो गया, दैट इज एंटेरोसीलोम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन द लोअर साइड एंड एनस ऑन द अपर डोर्सल साइड, ठीक है। अब ऐसे ये स्टारफिश, इसको ऐसे कर दिया तो माउथ इसका यहां है और एनस इसका यहां है। तो जहां पर माउथ है वो वेंट्रल हो गया और जहां एनस है वो साइड डॉर्सल होगी। तो दैट मीन्स जो साइड हमको दिखती है वहां पर जो होल है वो एनस है और वो डॉर्सल साइड है, और माउथ जो है वो इधर की तरफ है, यहां पर है, राइट। और ये साइड कैसी हो जाएगी? वेंट्रल। तो माउथ जहां पर भी होता है वो साइड होती है वेंट्रल और जहां एनस है वो साइड होती है डॉर्सल, ठीक है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्क्यूलर सिस्टम, ठीक है। ये क्या है? द सिस्टम इज कॉल्ड एज वाटर वैस्क्यूलर सिस्टम। तो पानी इनकी बॉडी के अंदर आता है और बहुत सारे प्रोसेसेस में हेल्प करता है। इस वाटर वैस्क्यूलर सिस्टम की वजह से इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है? वो एब्सेंट है। इनके पास कोई वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। इनके बॉडी में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ वाटर हो रहा है। अब ये वाटर वैस्क्यूलर सिस्टम किस किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन, चलने में। इनकी बॉडी में ट्यूब फीड प्रेजेंट होते हैं तो इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम की वजह से ट्यूब फीड क्या करते हैं? मूवमेंट शो कर पाते हैं। दे कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। तो इन सारे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस में कौन हेल्प कर रहा है? इनको वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प कर रहा है। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। ये बहुत ही लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। इनके पास कोई वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं है। Sexes are separate. Reproduction is sexual. Fertilization is usually external. That means पानी के अंदर हो रहा है। Development is indirect with free swimming larva. Definitely जब larva के पास bilateral symmetry है तो इनका development कैसा होगा? इनका development indirect ही होगा। यहाँ पर larval stage जो है वो present होगी। Examples are Asteraceae that is starfish, Echinus sea urchin, Entodon sea lily, Cucumeria sea cucumber and Ophiura that is brittle star. इन echinoderms को generally ना डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। डिकम्पोजर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इतना नीचे की तरफ रहते हैं तो जो भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है, डिकेड ऑर्गेनिज्म है, उसी के ऊपर ये जनरली फीड करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत सी के नीचे के पार्ट में मिलेंगे। तो ये हो गया अबाउट इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। दे आर यूजुअली डायोशियस, ओविपेरस है, ये एग ले करेंगे विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। ओके, ये मोलस्का का है, ठीक है। ये मोलस्का के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्टारफिश, ठीक है, दिस इज अ स्टारफिश। ओके, तो ये मोलस्का के एग्जाम्पल्स हो गए और इधर हमारे इकाइनोडर्म्स के एग्जाम्पल्स हो गए। इकाइनोडर्म्स के एग्जाम्पल में एस्टीरियासिस है, स्टारफिश, सी अर्चिन, सी लिली, सी कुकुम्बर और बिटल स्टार। और यहाँ पर आ गए हमारे मोलस्का के एग्जाम्पल्स, दैट इज पाइला, सीपिया हो गया, पर्ल ऑयस्टर हो गए, कटल फिश हो गई, ऑक्टोपस हो गई। ये सारे मोलस्का के एग्जाम्पल्स हो गए और यहाँ पर हमारा स्टारफिश का डायग्राम आ गया, ठीक है। चलो तो यहां पर हमने नॉन कॉर्डेट्स को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। हाँ ये लास्ट टॉपिक है कृष आज का। तो कल अपन जब पढ़ेंगे तो अपन स्टार्ट करेंगे हेमीकॉर्डेट से, फिर अपन पढ़ेंगे कॉर्डेट्स, फिर अपन देखेंगे कि कॉर्डेट्स में कैसे जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम बनाएगी या नहीं बनाएगी और कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स का जो है वो चेंज प्रोड्यूस होगा। ठीक है तो यहां पर अपन नॉन कॉर्डेट्स को खत्म करते हैं। कल मिलेंगे तो अपन बात करेंगे अबाउट हेमीकॉर्डेट्स एंड वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट कॉर्डेट्स और उसके बाद हम डिटेल में 30 टू 40 क्वेश्चन इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहां तक जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। विकास क्या एनसीईआरटी अंडरलाइन हो गई, सारी चीजें समझ में आई हैं अच्छे से या नहीं आई हैं, एक बार आप मुझे बता दो प्लीज। ठीक है अब यहां से अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे दैट इज हेमीकॉर्डेटा। ठीक हेमीकॉर्डेटा वो फाइलम है जिसमें नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बट ट्रू नोटोकॉर्ड यहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है इसको कल से डिटेल में पढ़ेंगे। कोई डाउट है तो आप मुझे बता दो, कैसा भी डाउट। करीना को कोई डाउट नहीं है। विकास क्या डाउट है एक बार बता दो, फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं, वरना फिर क्लास को खत्म करते हैं और कल से अपन स्टार्ट करेंगे अबाउट हेमीकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। ठीक है आई होप आप सबने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज कोटापल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे जो नए नए वीडियोस हैं उनके बारे में पता चलता रहे। इसीलिए आप अपना जो बेल है उसको भी प्रेस कर दे सो दैट यू आर अवेयर ऑफ ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स दैट इज कमिंग ऑन कोटापल चैनल। ओके स्टूडेंट्स टिल देन बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, यहाँ तक सारे डाउट्स क्लियर करो, कोशिश करो कि सारे एग्जाम्पल्स आपको धीरे 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 कर कर याद हो जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स बाय, कल मिलते हैं शाम 12 बजे एंड डिस्कस करते हैं अबाउट हेमीकॉर्डेट्स। बाय बच्चों।